भक्ति भक्तों के बारे में चर्चा की है कि भगवान कैसा चाहते हैं अपने भक्तों को। भगवान की कुछ आशाएं हैं हमसे, ऐसे माता पिता की आशाएं होती हैं अपने बच्चों से, नहीं कि हमारे बच्चे ऐसे बने ऐसे बने। उसी प्रकार भगवान की भी आशाएं हमसे कि हम कैसे बने उनकी नजरों में, दूसरों की नजरों में नहीं। सो लेट्स रीड दिस 13वां श्लोक 12वां अध्याय। अद्वैष्ट सर्व भूतानां मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। ओके, सो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, कुछ श्लोकों में भगवान अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं और अपने भक्तों का गुणगान करने में भगवान को बहुत आनंद आता है। कभी कभी भगवान अपना भी गुणगान करते हैं, जैसे हम लोग भी करते हैं। नहीं, हमारे में जो इच्छा अपना गुणगान करने की वो भगवान से ही आ रही है, बट अंतर यह है कि भगवान अपना गुणगान करते हैं जगत के कल्याण के लिए, हमें बताने के लिए कि वो कौन है, और हम लोग अपना गुणगान करते हैं अपने कल्याण के लिए और ये बताने के लिए दूसरों को कि तुम लोग खराब हो और मैं अच्छा हूं। दैट्स आइडिया देयर, कंडेमनिंग। सो भगवान यहां पे अपने भक्तों के गुणगान कर रहे हैं और कृष्णा कह रहे हैं अद्वैष्ट सर्व भूताना मैत्र करुणा एवच, अपने भक्तों के गुण बता रहे हैं। एक्चुअली ये लिस्ट है, ये इस अध्याय में नहीं, और इस लिस्ट को हम अपने माइंड में रखें और ऐसा बनने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स भगवान की आशाओं पे खरा उतरना बहुत मुश्किल है। नहीं, भगवान जितना महान व्यक्ति होता है उतना ही उसको संतुष्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो महान है, उसकी आशाएं महान है, उसका चरित्र महान है। शिला प्रभुपाद को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं था और कृष्ण को संतुष्ट करना असंभव है। राधा रानी तो यही कहती है, श्रीमती राधा रानी को कुछ गोपियों ने कहा कि चलो कृष्ण से मिलते हैं। राधा रानी ने कहा कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, कृष्ण से मिलना तो असंभव है, बड़े बड़े योगी और ज्ञानी नहीं मिल पाते, तो मैं कौन हूं। मगर शायद कभी कृष्ण मुझसे मिलने आ जाए तो हो जाएगा काम, वो ठीक है। सीता देवी भी यही सोच रही है लंका में, अशोक वाटिका में, कि राम कब मुझसे मिलने आएंगे। और शिला प्रभुपाद ने भी कहा कि भक्ति सांता सरस्वती ठाकुर ने कि भगवान से मिलने की कोशिश मत करो, कुछ ऐसा करो कि भगवान आपसे मिलने आए। मगर कृष्णा उनसे मिलते हैं जो महात्मा होते हैं, और महात्मा वो होते हैं जिनमें ही गुण होते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद ने बोला है कि हमारा मूवमेंट हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनाना चाहता है। सो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं है जात से ब्राह्मण, उसकी बात नहीं कर रहे, गुणों से ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मणों के गुण है, ये सारी दैवी संपदा है, दैवी गुण है। अगर देवों के देव महादेव, महादेव कौन, वैसे तो शिव जी को बोलते हैं, बट कृष्ण भगवान से अगर मिलना चाहते हो तो दैवी गुण होने चाहिए, अदरवाइज उनसे नहीं मिल सकते, मतलब वो हमसे मिलने नहीं आएंगे। सो क्या कहने कृष्णा, अद्वैष्ट सर्व भूतानाम, सबसे पहला गुण होना चाहिए भक्तों में, उसमें द्वेष नहीं होना चाहिए। वैसे उससे पहले मैं बताऊं एक बात है कि अगर कुछ कमाई करनी है तो अच्छे गुणों की कमाई करो। शास्त्रों में भी लिखा है नहीं कि व्यक्ति धन से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं, चरित्र से महान बनता है। चरित्रवान व्यक्ति ही एक्चुअली व्यक्ति है, मानव उसी को कहते हैं जिसमें ये सारे गुण है, अदरवाइज वो पशु के समान है। एटलीस्ट भीष्म पितामह के एनालिसिस तो यही है। सो कृष्णा क्या कह रहे हैं, अद्वैष्ट सर्व भूतानाम, जो किसी से द्वेष नहीं करता। अब इसका मतलब क्या है, द्वेष क्या होता है? द्वेष मतलब होता है दूसरों के सुख में दुख लेना, दूसरों के सुख में दुखी होना, उसको द्वेष कहते हैं। तो आपके पड़ोसी आपके कहेगा कि देखिए देखिए जी, हमारे घर तो हमारे पिताजी मर गए, आपको हंसी आ रही होगी। कभी कभी होता है, होता है, नहीं होता है, अगर आपका दुश्मन है वो, तो उसको द्वेष कहते हैं।
कोई तर्क नहीं है इसमें, दूसरों के सुख में हम क्यों दुखी हों, बल्कि दूसरों के दुख में तो दुखी होना चाहिए, कोई तर्क नहीं है। बट फिर भी द्वेष इसको कहते हैं, द्वेष तर्कहीन है, इलॉजिकल है। सो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, परा सुखा दुखी, मैंने अपना जीवन ऐसे ही बता दिया, दूसरों के सुख में दुख, दूसरों के दुख में सुखी होकर, और प्रतिष्ठा शाशी षठ आचरण, और इस प्रकार मैंने पूरा जीवन षठ, षठ समझते हो आप लोग, षठ क्या कहते हैं, मैं दुष्ट होके पूरा जीवन बता दिया, मेरे हृदय में प्रतिष्ठा की आशा आ गई, होवे निरयगामी, और मैं नर्क चला जाऊंगा। भक्तिवत ठाकुर सॉन्ग पता है किसके लिए लिख रहे हैं, वैष्णवों के लिए, ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं लिख ले। अगर हम वैष्णव हो के भी ऐसे अच्छे गुण नहीं लाएंगे अपने हृदय में, या तो अच्छे हो गए या बुरे हो गए, बीच का कुछ नहीं होता, बीच का कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता आप थोड़े अच्छे हो थोड़े बुरे हो, ऐसा कुछ कभी नहीं होता, या तो अच्छे हो या बुरे हो, ऐसे ही है ना, या तो आप सत्यवादी हो या झूठे हो, तो ऐसा तो नहीं होता कि आप, हरे कृष्ण, फोन क्या है, जस्ट आस्क, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपको मैं सत्यवादी हूं मगर एक घंटा झूठ बोलता हूं, कभी नहीं होता। भक्ति संदर सरस्वती ठाकुर कहते थे, या तो आप गर्भवती हो या गर्भवती नहीं हो। अब ये तो नहीं कहोगे मैं आधी गर्भवती हूं, अभी ऐसा नहीं होता, या तो है या नहीं। सो द्वेष है या द्वेष नहीं है, दैट्स ऑल, दैट्स हाउ इट गोस। और बल्कि द्वेष ना होना सबसे बड़ा गुण है, भागवतम यहीं से शुरू होती है, परमा निर्मत सरानाम सताम, जो निर्मत सर है उसी को भागवत समझ आएगी, वरना नहीं समझ आएगी। सो भक्तों से तो क्या, लोगों से भी द्वेष नहीं होना चाहिए। द्वेष मतलब वो आगे बढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं बढ़ रहा, द्वेष मतलब वो आगे बढ़ रहा है मैं नहीं बढ़ रहा तो उसको भी नीचे खींच लो, दैट्स हाउ इट गोस। वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है, मैं तो नहीं बढ़ पा रहा, मैं नहीं बढ़ पा रहा इसलिए वो भी नहीं बढ़ सकता। माइंड ऐसे चलता है हम लोगों का, मगर महान भक्तों का मन क्या चलता है, महान भक्त सोचते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है, ओके गुड, मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि वो और भक्ति में आगे बढ़े, चाहे मैं नर्क में चला जाऊं, दैट्स अ डिवोटी, उसको भक्त कहते हैं। बल्कि एक्चुअली पता है ये, एक्चुअली पता है हम जो भी भक्ति कर रहे हैं ना, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम धीरे धीरे थोड़ा आगे तो बढ़ ही रहे हैं भक्ति में, नहीं थोड़ा थोड़ा तो बड़ी एडवांस कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो यहां पे क्यों बैठे होते। मगर ये मुझे बताओ एक चीज कि हम भक्ति में आगे क्यों बढ़ रहे हैं, कोई बता सकता है क्यों हम बढ़ रहे हैं आगे, थोड़ा थोड़ा शुद्ध तो हो ही रहे सब, है नहीं, क्यों हो रहे हो, क्या चीज आपको शुद्ध कर रही है, है? भक्तों का संग और सेवा नाम, ओके गुड, देयर आर सो मेनी आंसर्स, ठीक है। बट एक्चुअली अगर ध्यान से सोचो आप, तो हमारी सेवा क्या है, कुछ भी नहीं है, ठेंगा है नहीं, हम क्या सेवा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। प्रभुपाद और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज के कंपैरिजन में तो जीरो है, जीरो से भी कम है। और नाम ले रहे हैं, नाम क्या ले रहे हैं, नाम कोई ले रहे हैं यहां पर शायद अगर असली में नाम कर ले रहे हैं तो असली में नाम कोई नहीं ले रहा, नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं ये जरूर कर रहे हैं हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, ओके जीभ चल रही है मन नहीं चल रहा, ये हो रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन हमारी जीभ भी चले और मन भी चल जाए और हृदय भी चल जाए, वो कोशिश कर रहे हैं, सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, सेवा भक्तों का संग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम पता है क्यों बढ़ रहे हैं भक्ति में आगे, मैं बढ़ रहा था एक राइटिंग देयर कि हम भक्ति में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पता है भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, भगवान अपने भक्तों को फेमस करना चाहते हैं, नहीं अब क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को फेमस करना चाहते हैं, नहीं सो भगवान किसको फेमस करना चाहते हैं, हाँ भक्तों को, भक्त कौन है, कौन है यहां पे भक्त, कौन है भक्त,
पता था मुझे, हाथ नीचे कर लो ये हमेशा आ जाते हैं। ठीक है हाथ नीचे ठीक है। आमी तो वैष्णव है बुद्धि होइले अमान न मानत होवे। जो व्यक्ति अपने आप को वैष्णव समझता है वो वैष्णव सॉरी अल्टीमेटली हम लोग सब भक्त नहीं है, भक्त बनने का कोशिश कर रहे हैं जरूर कह सकते हैं, भक्त जैसे हैं असली में तो भक्त केवल एक ही है यहां पर इस्कॉन में, वो है प्रभुपाद और कोई नहीं यहां पर। अगर भक्त की कैटेगरी में देखें, वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे चैतन्य भागवत में कि भक्त बनना बहुत मुश्किल है। भक्त तो हो गए प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, गजेंद्र, अगर वो भक्त की कैटेगरी में आएंगे तो हम तो उनसे नीचे ही है ना। सो भक्त तो केवल प्रभुपाद है एटलीस्ट हम लोगों के लिए। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तो बहुत दूर हो गए, पता नहीं कहाँ है वो। हमारे प्रेजेंट तो प्रभुपाद है, भगवान प्रभुपाद को फेमस करना चाहते हैं। अब प्रभुपाद को फेमस कैसे करेंगे, भगवान कैसे करेंगे? मूवमेंट को आगे बढ़ा, जब उनका मूवमेंट बढ़ेगा, मूवमेंट कैसे बढ़ेगा? विचार से। जब उनके जब कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, भक्त आएंगे तभी तो बढ़ेगा, अगर कोई आएगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे प्रभुपाद का मूवमेंट? तो भगवान हम लोगों को इस मूवमेंट में ला रहे हैं प्रभुपाद को फेमस करने के लिए, हमारे से कुछ लेना देना नहीं है भगवान को। अगर एक दृष्टि में देखा जाए, शिला प्रभुपाद की शिला प्रभुपाद का यश फैलाने के लिए एवे जाशा घोषक त्रिभुवाना, उसके लिए प्रभुपाद इस वो सोच के भगवान हमें कृपा दे रहे कि ये भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो मेरे भक्त प्रभुपाद का यश, मेरे भक्त अभय चरणारविंद उसका यश फैलेगा, इसलिए हम टिके हुए यहां पर। अदरवाइज हमारी कोई औकात नहीं है यहां पर रहने की। ये तो परमहंस लोगों के लिए, अद्वेष्ट सर्वभूतानां, भक्ति उन लोगों के लिए जिनके हृदय में द्वेष का लेश मात्र नहीं है। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, उत्तम अधिकारी की परिभाषा ही है वो, क्या श्लोक है उत्तम अधिकारी, वो है उपदेश अमृत में कि जिसका हृदय निर्मत्सर है, निर्मल है, उनके लिए। सो हम कोशिश कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा बिकम लाइक मी, डू एज आई एम डूइंग। प्रभुपाद ने कहा जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो। प्रभुपाद ने कभी कभी ये भी कहा डू मोर देन आई एम डूइंग, मुझसे ज्यादा करो। अब वो सोचना भी मुश्किल है, हम तो उतना भी नहीं कर सकते जितना प्रभुपाद कर रहे हैं, वो तो इम्पॉसिबल है। और प्रभुपाद उत्साह दे रहे हैं और प्रभुपाद आशीर्वाद भी दे रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली मैं सुन रहा था महाराज का लेक्चर, यहाँ पे हर व्यक्ति प्रभुपाद से ज्यादा कर सकता है, आप सब प्रभुपाद से ज्यादा कर सकते हो। बट उसके लिए प्रभुपाद जी की कृपा चाहिए उनसे ज्यादा करने के लिए। जैसे महाराज एग्जांपल दे रहे हैं, अब वो चैतन्य चरितमानस में लिखा है कि नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि नित्यानंद प्रभु मैं, मतलब नित्यानंद प्रभु को श्रीपाद कहते थे महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते थे? किसी को पता क्या बोलते थे नित्यानंद प्रभु? जनरल लोग जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को बोलते थे गोसाई, ये भी एक कहते थे गोसाई, गोसाई ऐसे उस टाइम, या महाप्रभु कहते थे। नित्यानंद प्रभु को उनके पार्षद बोलते थे, नित्यानंद प्रभु को पार्षद बोलते थे निताय, महाप्रभु श्रीपाद बोलते थे रिस्पेक्ट, क्योंकि बड़े हैं ना उनसे। सो महाप्रभु ने कहा श्रीपाद आप जाइए बंगाल में और बांग्लादेश में, वहां जाके प्रचार कीजिए, क्योंकि मैं वो नहीं कर सकता जो आप कर सकते। अब ये कैसे है? भगवान चैतन्य प्रभु वो नहीं कर सकते जो नित्यानंद प्रभु कर सकते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? चैतन्य प्रभु तो सब कुछ कर सकते हैं, बट एक चीज नहीं कर सकते चैतन्य प्रभु, एक चीज नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते पता है आपको? एक चीज नहीं कर सकते वो, तो महाप्रभु भी ज्यादा हो सकते। महाप्रभु एक काम नहीं कर सकते जो उनके भक्त कर सकते हैं, कृष्णा तो कर ही रहे, ये भी चलो कह सकते हैं। एक चीज नहीं कर सकते, जब दुर्वासा मुनि विष्णु के पास आए तो विष्णु ने क्या बोला कि मैं आपको माफ नहीं कर सकता, आप किसके पास जाओ? अम्बरीश के पास। जब जगाए मधाई ने नित्यानंद प्रभु पर अटैक किया और चैतन्य प्रभु जब मारने आ गए चक्र लेकर, तो नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला कि महाप्रभु इन जगाए मधाए को माफ कर दीजिए। महाप्रभु ने कहा मैं नहीं माफ कर सकता। सो भगवान एक काम नहीं कर सकते, भगवान
जो जो वैष्णव अपराधी हैं उनको माफ नहीं करेंगे, उनको जज करते हैं। जज मतलब, जज कैसे कहेंगे, न्याय करते हैं उन पे। वैष्णव अपराधियों को तो वैष्णव ही माफ करते हैं, उनको भगवान माफ नहीं कर सकते। कहते हैं गेट लॉस्ट, मतलब हम महाप्रभु की लीला में देखते हैं, वो कौन था वो तो देवानंद पंडित। देवानंद पंडित ने चैतन्य महाप्रभु के लीला होने से पहले, जब महाप्रभु जर का जन्म भी नहीं हुआ, उससे पहले देवानंद पंडित ने कौन श्रीवास ठाकुर थे, श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध कर दिया था, उठा के फेंक दिया था उनको कथा से। देवानंद पंडित, देवानंद पंडित सोच रहा था मैं आता इंटेलिजेंट हूं। और महाप्रभु जब बड़े हो गए, मतलब 24 साल बाद, 20 साल के होंगे कुछ, मतलब नदिया में ही थे, 20 साल बाद जब श्रीवास ठाकुर बूढ़े हो गए या थोड़े से एजेड हो गए, महाप्रभु बड़े हो गए, तब जब महाप्रभु देवानंद पंडित के घर के बाहर से जा रहे थे, महाप्रभु ने कीर्तन रोक दो, मैं इस बकवास आदमी को नाम भी नहीं सुनने दूंगा, ये तो दूर बात है, इसकी भागवतम लेके आओ, पहले तो उसको फाड़ूंगा मैं। भागवतम को फाड़ रहे हैं महाप्रभु, भागवतम को क्या फाड़ता है? महाप्रभु ने कहा मैं फाड़ूंगा इसकी भागवतम को, क्योंकि इसकी भागवतम, ये भागवतम क्या पढ़ रहा है, इसको एक अक्षर नहीं समझ आएगा, क्योंकि इस पर कृपा नहीं, इसने वैष्णव अपराध किया। महाप्रभु ने फिर गए, कीर्तन रोका, सब लोग डर गए, क्या हुआ, महाप्रभु 1 किलोमीटर दूर गए, उन्होंने कहा आप कीर्तन शुरू करो। सो भगवान माफ नहीं करते वैष्णव अपराधियों को, उन पर न्याय करते हैं, क्योंकि नेचुरल बात है, अगर भगवान माफ कर देंगे किसी वैष्णव अपराधी को तो वो तो प्रेम की हानि हो जाएगी ना, है नहीं, है नहीं? अगर आपकी मां को किसी ने गाली दी तो क्या करोगे, उसको माफ कर दोगे, उसकी ऐसी की तैसी करेंगे, है नहीं? आप बोलोगे नहीं नहीं माफ किया, तो मां कहेगी भाई क्या है, प्रेम है भैया, नहीं मतलब ऐसे ही होता है, नहीं होता है? चलो मां छोड़ो, अगर आपकी वाइफ को कोई बोल दे तो फिर तो आप चुप नहीं बैठ सकते, वाइफ को बोल देगा तो भैया फिर तो नहीं भी करना को तब भी करोगे, मतलब बेइज्जती होगी, वाइफ वाइफ को किसी ने बोल दिया, और अगर आपने उसको माफ कर दिया तो घर में आप पिटोगे, वाइफ कहेगी क्या हो रहा है भाई, मुझे गाली देके चला गया वो, तू खड़ा हुआ है यहाँ पर। सो प्रेम, प्रेम की भाषा ही ऐसी होती है, प्रेम में अगर कोई प्रेमी के प्रति अपराध करता है तो जो प्रेम करता है वो उसको माफ नहीं कर सकता। इनफैक्ट शास्त्रों में ये भी लिखा है कि अगर आपके सामने कोई वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव की निंदा कर दे तो क्या करना चाहिए, तो 3 चीजें कर सकते हो, सबसे पहले या तो उसको मार सकते हो तो मार दो, खून कर दो उसका, करना मत शास्त्रों में लिखा है, वैसे हंसी की बात नहीं है, असली में हो गया था एक बार, हिस्ट्री में हुआ है, अमेरिका में, अमेरिका में उन्होंने खून ही कर दिया डिवोटीज का, और उनसे पूछा कि भाई आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा शास्त्रों में लिखा है अगर वो वैष्णव अपराध करे तो खून कर देना चाहिए, उन्होंने कर ही दिया, उन्होंने 10-12 लोगों को फ्लैट कर दिया, वहां गाड़ दिया पीछे, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। पता नहीं क्या दिमाग चल रहा था उनका, शास्त्रों में लिखा है, उन्होंने शास्त्रों को शास्त्र रिकॉर्ड किए, ऐसा भी होता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गई थी अमेरिका में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो ऑफकोर्स हम लिखी हुई कुछ चीजें होती हैं बट वो समझनी चाहिए, और अगर खून नहीं कर सकते तो क्या करो, हाँ ऑफकोर्स आई मीन टू से रावण को तो मार ही दिया उन्होंने, क्योंकि वैष्णव अपराध किए थे ना रावण ने सीता के प्रति, और फिर उसके बाद अगर नहीं खून कर सकते तो जीभ काट दो। सो अगर जीभ भी नहीं काट सकते तो वो जगह छोड़ के चले जाओ, तो अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते तो प्रेम की हानि हो जाएगी। सो इसीलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं कि देखो मेरे भक्त मुझसे महान है, इसलिए महाप्रभु ने कहा श्रीपाद आप जाइए बंगाल, बंगाल में बहुत लोगों ने मेरे प्रति अपराध किया, जब महाप्रभु बंगाल में थे निमाय के रूप में तो बहुत लोगों ने निंदा की थी महाप्रभु की और भक्तों की भी, तो उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु आप जाइए। तो कभी कभी हम भक्तों से ज्यादा भी कर सकते हैं, नित्यानंद प्रभु ने वो किया जो भगवान नहीं कर सकते, नित्यानंद प्रभु के अनुयायियों ने वो किया जो नित्यानंद प्रभु नहीं कर सकते, और शिला प्रभुपाद ने वो किया जो नित्यानंद प्रभु नहीं कर सकते, और प्रभुपाद के शिष्य वो कर सकते हैं जो प्रभुपाद नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है, उल्टा भी होता है कभी कभी, मगर वो सब प्रभुपाद की कृपा से ही होगा, वो सब तब होगा जब हम समझेंगे कि हम अगर 1 मिलीमीटर भी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी साधना से नहीं बढ़ रहे,
वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि शिला क्योंकि भगवान चाहते हैं प्रभुपाद जी का यश फैलाना, इसलिए हमें यहाँ पे टिका रखा है। भगवान भगवान को टेंशन है ना, ये अगर इस्कॉन खाली हो जाएगा तो प्रभुपाद की बेइज्जती होगी, होगी नहीं होगी, लोग कहेंगे प्रभुपाद का मूवमेंट फेल हो गया, आगे गए थे ज्यादा अमेरिका गए थे, उस बात की बहुत टेंशन है। इसलिए भगवान किसी तरह लोगों को लाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि भक्ति करने से इंद्रिय वश आती है नहीं आती है, होता है होता है वैराग्य आता है, क्यों आता है, क्यों आता है वैराग्य? वो तो ठीक है, भक्ति करने से जनियति आशु वैराग्यम ज्ञानम चदत अहितुकम, भक्ति करने से वैराग्य और ज्ञान आता है, वैराग्य क्यों आता है, क्यों आता है भक्ति करने से वैराग्य क्यों आता है और कैसे आता है, कोई बताएगा? भगवान में मन लगता है ओके, और फिर क्या होता है? ओके बस इतना ही है, ठीक है, दैट्स ओके है। ये तो कहानियां है, भक्ति के दो पुत्र हैं, ये तो कहानियां है नहीं, मतलब एक तरह से भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये तो कहानियां चल रही हैं। लॉजिक क्या है, भक्ति से वैराग्य कैसे आता है? अब सुंदरी राधिका ने बोला था ठीक है, जितना भक्ति करने से भगवान में मन लगता है तो संसार से मन ठीक है, दैट्स ओके, मगर पता है पॉइंट क्या है? अगर आप भक्ति समझोगे ना तो आपको समझ आएगा सीक्रेट क्या है भक्ति की। वैराग्य वैराग्य भगवान गिफ्ट देते हैं, देते नहीं देते हैं? भगवान देते हैं ना, आप भक्ति करते हो तो भगवान वैराग्य गिफ्ट देते हैं। बताए भगवान वैराग्य क्यों देते हैं? इसलिए नहीं देते कि आपकी भक्ति स्ट्रांग है, हम सोचेंगे हमारी भक्ति बहुत अच्छी है इसलिए मुझे बहुत वैराग्य आ गया और ज्ञान आ रहा है, नहीं, भगवान वैराग्य दे रहे हैं क्योंकि भगवान को टेंशन है कि ये भाग जाएगा, इसकी भक्ति स्ट्रांग नहीं है, ये भक्ति में कच्चा है, ये संसार देखेगा आकर्षित होकर गिर जाएगा, इसलिए थोड़ा वैराग्य दे दो टिका रहेगा, यहां बिल्कुल उल्टा है, समझे? ऐसा भी होता है, टेंशन है नहीं भगवान को, है नहीं भगवान को टेंशन है नहीं, हंस रहे हैं मगर टेंशन बहुत है, दिखाते नहीं भगवान, भगवान की महानता ही है, महान व्यक्ति ऐसे होते हैं दिखाते नहीं, हंसते रहते हैं टेंशन अपने हार्ट में रखते हैं, उसको टेंशन है भाई पता नहीं कब भाग जाए क्या हो जाए, संसार तो ऐसा खतरनाक है, थोड़ा थोड़ा वैराग्य सबको दे देंगे कि जिससे मन वहां पे नहीं जाए। तो भगवान इसलिए नहीं देते, हम साधना कर रहे हैं हमारी भक्ति बढ़ चढ़ के, क्योंकि भगवान डर के मारे देते हैं वैराग्य, ऐसा भी होता है। और अब भागवत पढ़ोगे सही से तो आपको नजर आ जाएंगी चीजें, भागवत में ही है, मगर वो आपको एक ठीक एंगल से पढ़ना पड़ेगा। सो वैराग्य डर के कारण मिलता है, तभी कहते हैं भक्ति से वैराग्य आता है, नहीं आता है। सो भक्ति क्या है? भक्ति मतलब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान को हमसे प्रेम हो जाता है, हमें शायद ना हो भगवान को हो जाता है नहीं? जैसे माँ और माँ को अपने पुत्र से प्रेम होता है, हो सकता है पुत्र को प्रेम ना हो, माँ को तो हमेशा रहेगा। सो भगवान को प्रेम हो जाता है कि ये बेचारे मेरी सेवा कर रहे हैं मगर माया की शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि इनको भाग के ले जाएगी, तो मैं क्या करूं, क्या करें कृष्णा? तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनको वैराग्य दे दो, इनका मन थोड़ा थोड़ा शांत कर दो वरना भाग जाएंगे। सो ऐसा भी है, सो इट्स ऑल कृष्णा इज डूइंग समथिंग। एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग अगर इतना कर रहे हैं भगवान इतना कर रहे हैं, हम लोग एक कदम लेते हैं भगवान 10 कदम लेते हैं मगर बताते नहीं, ये भगवान की दीनता है। वल्लभाचार्य लिखते हैं भगवान दीनों में दीन है, भगवान कभी आपको बोलेंगे नहीं उन्होंने क्या किया है, बोलते हैं कभी बोला है ऑल्टर में? आप आरती कर रहे हो गए, देख भाई मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, ध्यान से कर ध्यान रखियो तू, कभी नहीं बोलते, ही सिंपली नॉट स्पीकिंग टू यू। वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि आपसे गुस्सा है, वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो दीन है बहुत, उनको अपने अपने अपनी प्रशंसा करने का शौक नहीं है, प्रशंसा तो कभी कभी करते हैं बताने के लिए वो कौन है, मगर वो नहीं है ऐसे हमारे जैसे नहीं है, हम तो थोड़ी सी सेवा करते हैं और सबको बोल देते हैं नहीं। अब बोलने का स्टाइल भी होता है कि प्रभु जी देखिए मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं तो दिनों में दीन हूं मगर कल मैंने इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की है, कृपा कीजिए थोड़ी, ये ले वो बता दिया उसने सब कुछ,
तो कुछ बता दिया। कृष्णा इज नॉट लाइक दैट। कृष्णा कभी नहीं बताएंगे आपको, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं यहां पर। हम केवल एक चीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोई बताएगा? केवल एक चीज कर रहे हैं, केवल इच्छा कर रहे हैं, प्रयास भी नहीं कर रहे, केवल इच्छा कर रहे हैं प्रयास करने की। प्रयास तो भगवान करा रहे हैं हमसे, शक्ति तो भगवान ही दे रहे हैं, हम तो हाथ भी नहीं ला सकते अपनी शक्ति से, कुछ नहीं कर सकते। भगवान पैरालाइज लखवा हो जाएगा, पड़े रहो। प्रभुपाद ने लेक्चर में बोला है, प्रभुपाद ने सेम पॉइंट बोला है कि लखवा हो गया पड़े रहो, हाथ भी नहीं लेगा। सो प्रयास भी भगवान ही करा रहे हैं, मगर प्रयास करने की इच्छा हम कर रहे हैं वो बात अलग है। जीव इच्छा मात्र करे, केवल इच्छा करते हैं, बाकी सब भगवान करा रहे हैं। हम केवल इच्छा करते हैं नाम लेने की, भगवान कहते हैं चलो नाम लो। हम इच्छा करते हैं लेक्चर में आने की, भगवान प्रेरणा देते हैं लेक्चर में आने की। सो हम केवल इच्छा कर रहे हैं बस एक चीज, बाकी सारी चीज भगवान करा रहे हैं। नाम भी भगवान बुला रहे हैं, प्रयास भी भगवान करा रहे हैं, प्रसाद भी भगवान खिला रहे हैं नहीं भक्तों के द्वारा, कथा भी भगवान सुना रहे हैं भक्तों के द्वारा, कथा समझा भी भगवान रहे हैं। अभी आप लोग बैठे हो, आपके अंदर जो जा रहा है वो समझाने वाले कौन है? भगवान ही तो है, वरना इतने सारे लोग सुन रहे हैं सबको अलग अलग समझ आएगा, सबको सेम समझ नहीं आएगा। मन बुद्धि के अनुसार आएगा है, मन बुद्धि के अनुसार सबको समझ में आएगा, भगवान की कृपा के अनुसार समझ आएगा। सो व्हाट डू यू डू विद दैट? इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि पता, एक एक बहुत बड़े संत हैं, अलवार हैं साउथ इंडिया के, तो उन्होंने अपने सॉन्ग में गाया है कि भगवान आप ही सब कुछ कर रहे हो। जब आप ही सब कुछ कर रहे हो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कहेंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे अपने तक पहुंचाएं। आप ही कर रहे हो ना सब कुछ, मेरी तो इच्छा है आप तक पहुंचने की, अब आप अपने तक मुझे पहुंचाइए, यह आपकी जिम्मेदारी। जब आप हाथ पकड़ के मुझे इतनी दूर लिया है तो रास्ता भी पूरा करा दीजिए। अब बीच में क्यों छोड़ रहे हैं? अलवार इस तरह कह रहे हैं, अलवार कह रहे हैं कि भगवान अगर आपने मुझे छोड़ दिया बीच में तो ध्यान रखना आप कि मैं बेइज्जती करूंगा आपकी पूरे संसार में जाकर। मतलब ही इज लाइक ही इज सिंगिंग विद गॉड, दैट्स ऑल, वो प्रेम की भाषा है, दैट्स ऑल। सो ही इज सेइंग, एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ला रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि वेल मैं जो साधना कर रहा हूँ, साधना आपकी साधना भगवान की कृपा के सामने बहुत ही नगण्य है, ये समझ लो। ये बस पॉइंट है, भागवत में लिखा है, वो हमेशा ध्यान होना चाहिए। इसका मतलब नहीं हम साधना नहीं करें, हम साधना जो भी कर रहे हैं वो अपनी इच्छा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, बस इच्छा ही प्रधान है। बस माम इच्छा तुम धनंजय, मुझे प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। स्वद्वेष्ट सर्वभूतानाम, इसको कहते हैं द्वेष रहित होना। जिसके हृदय में द्वेष नहीं होता ना उसको ये सब कुछ समझ आने लगता है, अपने आप सबको समझ आने लगेगा। जिसको द्वेष है उसको समझ नहीं आएगा। सो अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, जिसको द्वेष नहीं है वो भक्तों के लिए प्रार्थना करेगा, अपने लिए प्रार्थना नहीं करता। हम तो अपने लिए करते हैं ना सब, है नहीं? मगर महान भक्त दूसरों के लिए करते हैं, ये असली प्रार्थना है, वो भगवान को बहुत अच्छी लगती है। एक बहुत बड़े संत हैं अन्नामयी, सुना है साउथ इंडिया, भगवान ही प्रकट हो गए उनके सामने। और भगवान ने कहा अन्नामयी चलो वैकुंठ चलो, मैं लेने आया हूँ। अन्नामयी ने कहा मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो इसी धराधाम पे रहूंगा और आपके गुणगान गाऊंगा कि जिससे आपके इतने सारे लोग आपके भक्त बने। तो भगवान ने फिर लक्ष्मी को कहा लक्ष्मी देखो मेरे भक्त कैसे हैं, मैं कह रहा हूं चलने को और वैकुंठ दे रहा हूं और ये वैकुंठ भी मना कर रहा है। और क्यों मना कर रहा है? क्योंकि इसको अपनी परवाह नहीं है, इसको दूसरों की परवाह है। दैट्स अद्वेष्ट सर्वभूतानाम। उसको हम डिवोटी अपने लिए प्रे नहीं करते, डिवोटी अपने लिए कभी नहीं सोचते, डिवोटी हमेशा दूसरों के लिए प्रे करते रहते हैं। ये प्रार्थना करो, ये मत करो भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ, ठीक है बहुत अच्छा है, मगर इससे आप और भी कर सकते हो कि भगवान हम सबको अपनी सेवा में लगाए, है नहीं? ज्यादा अच्छा है, सिर्फ मैं ही है ना, सिर्फ वो तो वही बीमारी हो गई ना, वहां भी मैं कर रहे थे, यहां भी अभी मैं कर रहे हो, बीमारी वही है, बीमारी वही है, जगह बदल गई,
वहां भी मैं कर रहे थे मुझे मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, यहां भी मेरी भक्ति बढ़ जाए, मेरी सेवा लग जाए, मैं खुश रहूं। बेकार है सब, तो यूजलेस है। तो अपने से बाहर निकलना, उसी को अद्वेष्टा कहते हैं। जब आप अपने बारे में सोचना छोड़ दोगे ना, तब आप द्वेष रहित हो जाओगे, क्योंकि जहां स्वार्थ है वहां द्वेष है, जहां स्वार्थ नहीं है वहां द्वेष नहीं है। बस दैट्स ऑल। अद्वेष्ट सर्वभूताना मैत्र, डिवोटी में एक गुण है मैत्री का। मैत्री पता है क्या होता है? क्या होता है? मित्रता तो मैत्र ही है। मतलब क्या है मैत्री? मतलब क्या होता है? एक होता है मैत्री, मतलब क्या होता है? प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवतम में, मित्र होता है, एक होता है बंधु और एक होता है मित्र। बंधु वो होता है जैसे ऑफिस में हमारे बंधु भाई है, नहीं सोसाइटी में, तो जब मुश्किल आती छोड़ देते हैं। मगर मित्र होता है, मगर मित्र होता है जब मुश्किल आती है तो छोड़ते नहीं। मगर मित्र एक स्टेप आगे है, मित्र वो नहीं है जो मुश्किल आती है तो छोड़ते नहीं, मित्र वो है जो दूसरों की मुश्किलें अपने सर पे ले लेते हैं, वो मित्र है। जैसे सुग्रीव और राम, नहीं राम ने क्या किया? सुग्रीव की टेंशन अपने सर पे ली ना, और सुग्रीव ने क्या किया? राम की टेंशन अपने सर पे ले ली। राम, आप संतुष्ट रहिए, मैं सीता दुख लूंगा। राम ने कहा सुग्रीव तुम संतुष्ट रहो, मैं बाली को देख लूंगा। ये मित्रता है। मित्रता मतलब दूसरों की टेंशन अपने सर पे लेना। और प्रीचिंग यही होती है, प्रचार यही है। प्रचार ये नहीं लेक्चर देना सिर्फ, प्रचार ये थोड़ा ना होता है सिर्फ लेक्चर देना। लेक्चर तो आप देते रहो तो कथावाचक बन जाओगे आप, लेक्चर देना वो नहीं है। प्रीचिंग मतलब है, प्रचार मतलब मैत्र। हम दूसरों की टेंशन अपने सर पे ले रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, हम उसके बारे में सोच रहे हैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा, और ये सोच रहे हैं कि हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं। इसलिए प्रीचिंग में सिर्फ लेक्चर नहीं होता, प्रीचिंग में आपको काउंसलिंग भी करनी चाहिए। काउंसलिंग समझते हो ना आप लोग? काउंसलिंग क्या होती है, कैसे कहेंगे काउंसलिंग? नहीं कन्विंस नहीं, हाँ मतलब अलग से हर डिवोटी का बैठ के बात भी करनी होती है, समझाना होता है, बहुत जरूरी है ये। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने लेक्चर में तो कुछ बोल दिया और आप चले गए। अब उसने तो अपने हृदय की बात बोली नहीं आपको, तो वो जब आपको कुछ बोलेगा, कोई टेंशन बोलेगा, तो आपका कर्तव्य, सबसे बड़ा दान है अभय दान। सुना है नहीं सुना है? सबसे पहले नीचे दान है वित्त दान। वित्त मतलब धन और चीजें। फिर उसके ऊपर दान है ज्ञान दान, ज्ञान देना। और फिर उसके ऊपर दान है अभय दान, किसी को टेंशन मुक्त कर देना। प्रभुपाद इसलिए चाहते हैं वर्णाश्रम बनाना, तभी तो हम वर्णाश्रम सोसाइटी खोल रहे हैं, फार्म हाउस खोल रहे हैं, किसी डिवोटी सिटी में भक्ति नहीं कर पा रहे उनको हम लेके आए, हमारे साथ रहो और भक्ति करो। अब उसके लिए हमें टेंशन लेनी पड़ रही है, नहीं अब हम खरीद रहे हैं लैंड, अब लैंड हम खरीद रहे हैं पंजाब में, इतनी महंगी लैंड है, पता नहीं बहुत महंगी है, 1 करोड़ की लैंड है, अब कैसे खरीदोगे? और हम खरीद के फिर उसमें बनाएंगे घर, उसमें 1 करोड़ और लगेंगे, और फिर क्या होगा? फिर गृहस्थ आएंगे वहां पे रहेंगे फ्री में उनके लिए घर बनाएंगे, उनको बोलेंगे आ जाओ भैया रह लो, भक्ति कर लो, उनको कुछ नहीं देना, वो आके फ्री में रहेंगे। तो कोई बाहर वाला आदमी कहेगा पागल हो गया, सब कुछ कर रहे हो भाई, वो फ्री में रह रहा है। मगर उसी को कहते हैं प्रीचिंग। हम उनकी टेंशन अपने सर पे ले रहे हैं, वो एक्चुअली असली कथा है, वो असली कथा है। इसलिए प्रचार में सिर्फ कथा नहीं होती, फिर उसके बाद आप भक्तों से मिलो, उनसे बात करो, और उनसे बात करके उनकी प्रॉब्लम पूछो, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी पता क्या होता है, हम लोग किसी से बात करते हैं ना तो अपनी बोलते रहते हैं, है नहीं बोलते? नहीं बोलते? कोई कहता है डिवोटी से मिलते हैं, डिवोटी को कहते हैं हाँ देखो ज्यादा ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए, भक्ति करो, तो कहेगा प्रभु जी चैंटिंग नहीं हो रही। नहीं, चैंटिंग अच्छी तरह करो, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो, आशीर्वाद है, टाटा। ऐसे होते ना संत, भारत के संत तो ऐसे ही होते हैं आशीर्वाद है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जप करो। ये कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इसको सॉल्यूशन नहीं कहते। सॉल्यूशन समझते हो ना? ये उपाय है ही नहीं, ये तो हल है, ये तो उसको भी पता है। देखो स्वामी जी ये तो मुझे भी पता है,
जब करने सबको सही हो जाएगा, मगर फिर भी नहीं हो रहा, क्या करूं मैं, तभी तो आया हूं आपके पास। सो मैत्रा मतलब वन टू वन बेसिस, दैट्स द पॉइंट आई एम ब्रिंगिंग। वन टू वन बेसिस समझते हो, मैत्री एक और एक तब होती है, भीड़ में नहीं होती मैत्री। भीड़ में तो मैं आपको बोल के चला गया, तो एक एक से मिलना होता है, टाइम देना होगा आपको मैत्री करने के लिए, वो टाइम देना बहुत जरूरी है। टाइम नहीं दोगे आप सोचोगे मेरी भक्ति है, मेरी चैंटिंग, मेरा वो, फिर नहीं आप हेल्प कर सकते। तो यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम टू पीपल, यू हैव टू टॉक टू देम। हो सकता है आपकी एक्चुअली शीला प्रभुपाद, पता है प्रभुपाद एक बार अपने रूम में बैठे थे, तो एक डिवोटी थे, हम सदूत प्रभु उनके प्रभुपाद के सर्वेंट ही थे, तो वो आए तो प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो आए तो प्रभुपाद ने देखा ऐसे जो माला नहीं है, माला माला के वो नहीं होता काउंटर, कैसे क्या है माला का है किसी के पास, हाँ तो ये ऐसे माला थी ना, तो प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे थे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और उसमें चार आठ नौ, उसमें एक एक बची थी बस, आखिरी बची थी, प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम, वो आया वो खड़ा हो गया, प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, आखिरी माला खत्म हो गई, प्रभुपाद ने इसको ऊपर किया ऐसे, प्रभुपाद ने कहा अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, खत्म टेंशन, माला खत्म, टेंशन खत्म। प्रभुपाद ने माला रखी बाद में, मेरी 16 माला हो गई। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या प्रभुपाद के माला में इंटरेस्ट नहीं है? प्रभुपाद को माला में इंटरेस्ट है, मगर उससे ज्यादा इंटरेस्ट क्या है, किसमें? दूसरों की मदद करने में, वो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि माला अच्छी तरह ना करें, मतलब ये कि हम टाइम निकाल के दूसरों से, इसलिए आप लोग यहां पर हो ना, अगर आप लोग को बात करनी चाहिए एक दूसरे से, जो लीडर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जूनियर से बात करो और उनसे प्रॉब्लम्स पूछो, उनसे पूछो प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। कथा सिर्फ ये नहीं होती कि आप कृष्ण के बारे में बोलते रहो, कथा ये भी होती है उसकी प्रॉब्लम क्या और सॉल्व करो, वो भी कथा है, वो भी कथा होती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए। और जिस मंदिर में लोग डिवोटीज एक दूसरे से बात नहीं करते, वहां पे लड़ाई होती है, देख लेना वहां लड़ाई होगी। ऐसी होता है, नहीं होता है, वो माता जी आएंगी, वो माता जी कहेंगी आ गई बैठ जाएगी, ऐसे ही चलता रहता है बस, वो उसको देख के कुट रहा है, वो उसको देख क्यों हो रहा है सब, क्योंकि मैत्री नहीं है। मैत्री होती है प्रॉब्लम शेयर करने से, समझे, यही होता है ना। मित्रता कब बनती है, जब एक मित्र दूसरे मित्र से अपना दुख शेयर करता है, नहीं, दुखी तो दुख सुख शेयर करेगा तभी तो मित्रता होगी। गुहियम आघाति प्रच्छति, अगर आप दुख सुख शेयर ही नहीं कर रहे तो मित्रता कैसे होगी, होगी नहीं। सो खोल के तो सो इसलिए बैठ के आप बात करो, उससे पूछो, अपना अपनी बातें बताओ, उनसे पूछो, बोलो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है। और ये मत करो कि आप सॉल्यूशन दो, वो गलत है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है तो यार खोल के देना, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है तो ये सॉल्यूशन है। ऐसा भी कहते हैं ना, भी कोई कहेगा प्रभु जी देखिए मुझे तो उस डिवोटी से प्रॉब्लम है, सपोज, मैं सारे मंदिरों में होता है इसलिए बता रहा हूँ, मैं तो चला गया ना पूरे संसार में, मुझसे तो यही लोग बात करते हैं और मेरा हमारा काम भी है। सो प्रभु जी हमें उस डिवोटी से प्रॉब्लम है, तो हम लोग तो लीडर क्या कहेगा, लीडर कहेगा नहीं आपको आपको प्रॉब्लम ही नहीं चाहिए, आपका आपका हृदय अच्छा होना चाहिए, देखिए उसको अच्छी तरह देखिए, आप में दोष है, अपने में दोष देखिए, यू सी द पॉइंट। वो अपनी प्रॉब्लम लेके आया, आपने 10 प्रॉब्लम और गिना दी उसमें, मैंने कहा भाई अच्छा है मैं एक प्रॉब्लम लेके आया, इसने 10 प्रॉब्लम और गिना दी, उपाय तो दिया ही नहीं, यही ऐसे ही होता है, नहीं होता है, होता है ऐसे ही है। प्रभु जी मुझे अच्छी वोट अच्छा नहीं लग रहा, कहोगे नहीं अपने में देखो दोष, तुम्हारे में दोष है, तुम चैंटिंग अच्छी तरह नहीं कर रहे, अच्छी तरह करो सब ठीक हो जाएगा। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट।
सो पता है क्या करो आप, जब कोई प्रॉब्लम लेके आए ना, उसी से सॉल्यूशन पूछो, ज्यादा बेटर है। उसी से पूछो कि तुम क्या चाहते हो, तुम बताओ। उसके पास तो उपाय नहीं है, तभी आपके पास आया, बट फिर भी अच्छा है आप उससे पूछोगे ना, तो हो सकता है वो कुछ अपना आइडिया बताए। फिर जब वो अपना उपाय बताएगा, फिर उसी के उपाय के अनुसार आप एक उपाय दो, तब वो फॉलो कर पाएगा, वरना फॉलो नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे आप, चलो छोड़ो, तो करोगे तो समझ आएगा। ऐसे नहीं आता, बट हाँ समझ गया ना। तो यू हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट दैट डिवोटी। कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना पड़ता है, तो उसको वो कहेगा प्रभु जी उस डिवोटी से प्रॉब्लम है, तो आपको ठीक है आप साथ में बैठ के बात करते हैं, उसमें क्या हो गया, आप उससे बात करो, इनसे बात करो, उनकी दोस्ती कराने की कोशिश करो, ज्यादा अच्छा है। दैट्स अ गुड थिंग इफ यू कैन डू दैट, क्योंकि हो सकता है वो कुछ सोच रहा गलत उसके बारे में, वो कुछ गलत सोच रहा है, गलत कुछ है ही नहीं, अपने मन में ख्याली पुलाव चलते जा रहे हैं, ऐसा भी होता है ना। सो उसको कहते हैं मैत्री। मैत्री बहुत बड़ा एक दैवी गुण है। मैत्री करने के लिए आपको अपना समय बिताना पड़ेगा, मैत्री करने के लिए आपको हर व्यक्ति के साथ बात करनी पड़ेगी, मैत्री करने के लिए उसकी प्रॉब्लम्स आपको सुननी पड़ेगी, चाहे आपको टेंशन क्यों ना हो जाए। सुन सुन के तो आप पागल हो जाओगे ना, ऐसा भी होता है ना, वो भी प्रॉब्लम कोई नहीं सुनो। और मैत्री करने के लिए फिर आपको घर में जाकर सोचना पड़ेगा, हाँ भाई उसको प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कैसे करूं मैं। यू सी, मैत्री को ऐसा नहीं है गले मिला लिया मैत्री हो गई, वो नहीं होता मैत्री। वो बाहर से ठीक है, ओके प्रभु जी आप कैसे हो, आप अच्छे हो, मैं अच्छा हूँ, गले मिल गए, दैट्स ओके, यू कैन डू दैट, बुरा नहीं है। गले मिलना तो हमारी प्रथा है, संस्कृति है गले मिलना, बाय द वे पहले गले मिलते थे, पता है ना आपको, होली के दिन, होली में, दिवाली में पहले गले मिलते थे, मतलब छोटे लोग बड़ों के पैर छूते थे, और जो सामान वाले हैं वो गले मिलते थे। सो दैट्स मैत्री, इट्स अ बिग थिंग। इस हर गुण के लिए त्याग चाहिए। सो त्याग के बिना ये गुण नहीं आते। सो मैत्री करुणा, और जिसमें मैत्री करने के लिए करुणा का गुण चाहिए, है नहीं? अद्वेष, द्वेष रहित होने के लिए मैत्री करनी है, वरना आपको द्वेष होता रहेगा। मित्र बन जाओगे तो द्वेष नहीं होता, मित्र में द्वेष नहीं होता ना, है नहीं? चलो मित्र है, ठीक है, चलो जो कह दिया कह दिया। और मैत्री करने के लिए करुणा होनी चाहिए। हर गुण एक दूसरे से संबंधित है, ऐसा नहीं ये अलग गुण है अलग गुण है, हर गुण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक गुण आएगा दूसरा गुण आएगा, अगर बच्चा आएगा तो उसके माता पिता पीछे पीछे आ जाएंगे, आते नहीं आते, माता पिता आएंगे उनका कुत्ता भी आ जाएगा पीछे, सब आ जाएंगे, एक जने को आना है बस। तो ये सारे लिंक्ड हैं, द्वेष रहित हो गए मैत्री से, मैत्री होगी करुणा से। करुणा क्या होता है कोई बताएगा, करुणा क्या होता है? दया, वो क्या होती है, होती क्या है, वो चीज क्या है करुणा? ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि अब आपको जाके इसको प्रैक्टिस करना है, यही भागवत है। भागवत वरना किताब में रह जाएगी, कागज में रह जाएगी, लिखनी यहां पर है हृदय में, यहां पे नहीं लिखनी, ये तो है ही यहां पर, यहां पर तो तब से ही है। ओके, करुणा क्या है? दयालुता, दया, काइंडनेस, ये सब तो पर्यायवाची है ना, इंग्लिश है, होती क्या है, परिभाषा क्या करुणा की? ओके, करुणा मतलब होता है, सर्वम भट्टाचार्य परिभाषा दे रहे हैं वैसे, जितने महाप्रभु के अनुयायी, सर्वम भट्टाचार्य कह रहे हैं करुणा मतलब होता है कि जो जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख समझे वो करुणा है, बस वही करुणा है। तो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे उसको करुणा कहते हैं, वरना आप करुणा कर ही नहीं सकते। शिला प्रभुपाद कभी कभी, प्रभुपाद तो बहुत बार, प्रभुपाद एक बार कार में जा रहे थे हैदराबाद में, अब प्रभुपाद ने बस स्टैंड पे खड़े हुए लोगों को देखा और रोने लगे। मतलब हम कभी रोए हैं ऐसे बस स्टैंड पे खड़े, मतलब मैं तो नहीं रोया। वहां प्रभुपाद ने कहा कि कितने बेचारे कैसे इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं
और चंद पैसों के लिए पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं, इधर उधर भागे जा रहे हैं। तो मानने का देखो रो रहे। श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे, न्यूयॉर्क में प्रभुपाद एक बार खिड़की से नीचे देख रहे थे, रो रहे थे। प्रभुपाद ने कहा देखो ये लोग ना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो दूसरों का दुख प्रभुपाद को अपना ही दुख लग रहा था, सो उसको करुणा कहते हैं। करुणा करने के लिए पता है, वैसे करुणा कभी कभी ना जरूरी नहीं है। करुणा का मतलब कि आप हमेशा करुणा करने के लिए एक चीज करनी पड़ती है, कोई बताएगा क्या करना पड़ता है? हमेशा ध्यान रख लो ये सूत्र है। करुणा करना मतलब दूसरों का दुख अपना दुख समझना, मतलब उसकी हेल्प करना है, नहीं हेल्प कर रहे हो ना उसकी। किसी की भी हेल्प करने के लिए क्या करना पड़ता है ये कोई बताएगा? अगर आप बता दोगे तो मैं क्या करूंगा, उससे मित्रता करना पड़ेगा, क्यों गिफ्ट दूंगा मैं आपको, खुद के सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। जब से मैं तभी तो कह रहा हूँ, किसी ने बताया चलो हमें हमें प्राइस देंगे 10,000 रुपए देंगे, ठीक है ओके 20,000 अब बताओ। आत्मा को देखना गलत है, हैं? जिसने करुणा किया उसको पता लग जाएगा, है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? उससे मित्रता करके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वो कैसे, क्या मतलब कैसे, वही मैं पूछ रहा हूँ। प्रैक्टिकली क्या करें, करें क्या मतलब, ठीक है अब कोई मेरे पास डिवोटी आया, इतने सारे डिवोटी आ गए प्रॉब्लम के साथ समस्या, अब मैं करूँ क्या, क्या कर सकता हूँ उससे मित्रता करके उसकी हेल्प करूँ, ये है चलना होगा, ये होगा वो होगा ये होगा, उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है, अगर आप अगर आपने लीड किया लोगों को आपको पता लग जाएगा, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। करुणा करने के लिए एक चीज है, हमेशा ये सूत्र याद कर लो, वो मैंने ही बनाया सूत्र मगर वो संस्कृत से आ रहा है बताऊंगा मैं। करुणा करने के लिए एक चीज है, सिस्टम गरम दिल नरम, बस। सिस्टम पता क्या होता है? नियम अनुशासन। करुणा करने के लिए अनुशासन चाहिए, वरना आप करुणा नहीं कर सकते। अब आप घर जाके सोचना, अनुशासन मतलब धर्म। अगर अनुशासन नहीं होगा आप किसी की मदद नहीं कर पाओगे। जैसे अब इतने सारे लोग हैं, अगर अलग अलग लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम लेके आएंगे तो मैं अलग अलग आदमी की हेल्प करूंगा, नहीं कर सकता। तो मुझे एक रूल बनाना पड़ेगा, है नहीं? प्रभुपाद ने अनुशासन ही तो बनाया है, सुबह मंगल आरती आना है, उसके बाद 16 माला करनी है, चार नियम क्या है? अनुशासन ही तो, तभी तो हम कहते हैं प्रभुपाद कितने करुणावान है, तभी तो प्रभुपाद सहजियों से ढोंगी गोंडों से अलग है। क्यों प्रभुपाद की आज प्रशंसा करते हैं कि प्रभुपाद ने इतने लोगों को शुद्ध भक्त बना दिया? हम कहते हैं प्रभुपाद में करुणा है। प्रभुपाद ने कैसे की करुणा है? नियम बना के, समझे? अगर नियम नहीं होते तो यहां पे कोई भी शुद्ध भक्त नहीं होता। इसलिए अनुशासन ही वो चीज है जिससे करुणा हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। करुणा केवल इच्छा से नहीं होती, केवल ये नहीं होता कि हमने सुन लिया चलो भाई अच्छा है मैं तुम्हारे साथ। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, धर्म, धर्म सिखाता है अनुशासन। धर्म से आ रहे हैं ना सारे नियम, 4 नियम 16 माला, ये करुणा का ही एक क्या कहते हैं उसको, मैनिफेस्टेशन रूप है। करुणा का यही रूप है, करुणा यहीं से प्रकट होती है, यहीं पे अंत होती है, धर्म में। यहां पे धर्म नहीं है, वहां पे करुणा नहीं है। धर्म मतलब सिस्टम, अनुशासन धर्म यही है ना, ब्रह्मचारी के नियम, गृहस्थ के नियम, उसके नियम, धर्म नियमों में चल रहे हैं और क्या, आचार और व्यवहार बस यही है। सो इसीलिए किसी भी मंदिर में अगर आपको किसी की हेल्प करनी है अनुशासन होना चाहिए, वरना वो मंदिर गया। आप किसी भी डिवोटी को हेल्प करनी है, कोई प्रॉब्लम लेके आए तो आप उसको कुछ अनुशासन दो तो उसकी हेल्प होगी, वरना आप हेल्प नहीं कर पाओगे उसकी। नहीं जैसे मेरे पास लोग कहते हैं, आके कहते हैं कि प्रभु जी मेरी माला कंप्लीट नहीं होती, क्या करूं, पूरी नहीं कर पाता हूं। तो हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे एक बात आप कहोगे, नहीं नहीं कोशिश करो पूरी करने की, देखो कोशिश करनी चाहिए, आप छोड़ नहीं सकते, गुरु अपराध है ये वो, मगर वो कोई उपाय नहीं है। वो तो वो भी सोच सोच के पागल हो चुका है, खत्म हो गया, थक गया वो।
काम नहीं कर रहा वो, अनुशासन उपाय है। हम उसको बोलते हैं वेल अगर तुम्हारी माला कंप्लीट नहीं हो तो रात को खाओ मत, अनुशासन डाल दिया ना हमने वहां तो हो जाएगी बस। सो करुणा करने के लिए अनुशासन चाहिए होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अनुशासन लाने के लिए आपको एक दूसरा गुण चाहिए, निर्ममो। निर्ममो मतलब निर्ममा प्रभुपाद लिख रहे हैं स्वामित्व की भावना से रहित। अनुशासन कौन कर सकता है? एक राजा का सबसे बड़ा गुण क्या है? अगर आप तो राजा के कर्तव्य नीति शास्त्रों में दिए हैं, चाणक्य नीति, शुक्राचार्य नीति, विदुर नीति, बहुत सारे गुण हैं राजा के, मगर एक सबसे बड़ा गुण है राजा का, जो राजा स्वामित्व की भावना से रहित नहीं है वो राजा अच्छा राजा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरों पे वो अनुशासन नहीं करेगा, वो शासन करेगा। दोनों में फर्क है, वो शासन करेगा मगर हमें क्या करना है? अनुशासन। अनुशासन और शासन में फर्क ये है, शासन स्वामित्व की भावना से होता है, अनुशासन सेवा भावना से होता है, दोनों में फर्क है। दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंस, एक्चुअली वेरी बिग डिफरेंस, क्योंकि अगर आप शासन करोगे तो फिर लोग परेशान होंगे, ये नियम ये नियम ये नियम ये नियम ये नियम करना है नो। तो अब मुझे बताओ आप शासन अनुशासन में फर्क क्या है? सेवा भावना से अनुशासन करना और स्वामित्व की भावना से शासन करना, उसमें फर्क क्या होता है? दोनों ही नियम बना रहे हैं, फर्क क्या है? दोनों ही नियम बना रहे हैं, जो अनुशासन कर रहे वो भी नियम बना रहा है, जो शासन कर रहा है वो भी नियम बना रहा है, फर्क क्या है? सिर्फ भावना का फर्क है, वो अनुशासन में भी दंड होता है, वहां पे भी दंड होता है। ऐसा नहीं है इस्कॉन में दंड नहीं है, पर वो उसके हित के लिए नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या क्या फर्क है? भावना तो दिखाई नहीं दे रही, अभी साइड में रखो, जो दिखाई दे रहा है उसकी बात करो। फर्क ये है शासन में अनुशासन में बहुत बड़ा अंतर है, जो शासन करेगा ना वो नियम बनाएगा और दूसरों पे थोपेगा, जो अनुशासन करेगा वो नियम बनाएगा और नियम पालन करने की प्रेरणा भी देगा, थोपेगा कभी नहीं, बहुत फर्क है। अनुशासन करने वाला नियम भी देगा और शिक्षा भी देगा कि क्यों नियम बनाए, शासन करने वाला सिर्फ नियम बनाएगा, कोई शिक्षा नहीं, फॉलो करना है, फॉलो नहीं किया मार देंगे, नहीं। ये फर्क है बहुत बड़ा, पूरी चाइनीज हिस्ट्री में कन्फ्यूशियस, लाओजू, सब ने ये बोला है, अगर आपको सही नियम अनुशासन करना है तो शिक्षा भी देनी पड़ेगी नियम के साथ, शिक्षा मतलब आपको समझाना पड़ेगा कि नियम क्यों बनाए हैं, और वो समझाने के लिए आपको पहले खुद समझना पड़ेगा नियम क्यों है। अगर आपको नहीं पता तो क्या कैसे समझाओगे, है नहीं? अगर आपने बोल दिया अभी सुबह मंगल आरती में आना है 5 बजे, ठीक है, अब वो कहेगा क्यों आना है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है। वो नहीं आया तो कैसे नहीं आया? प्रभुपाद जी ने बोला तुम तो दीक्षित भक्त हो, तुम क्यों नहीं आते, ये वो, ठीक है, दैट्स ओके। बट भाई आपको भी तो बताना चाहिए मंगल आरती में क्यों आना है, तभी तो उसको समझाओगे, क्योंकि जब तक आप शिक्षा नहीं दोगे तब तक वो नियम थोप रहे ऑफिस पे, फिर वो काम नहीं करते, आप किसी पे कुछ थोप नहीं सकते, खुद ही से प्रेरणा आनी चाहिए। सो मंगल आरती में क्यों आते हैं सब लोग, कोई बताएगा क्यों आते हैं? क्यों आते हैं मंगल आरती में, क्यों आते हैं? जस्ट टेल मी, क्यों आते हैं हम लोग सुबह सुबह, क्यों आ रहे हैं? जो गाने के लिए हम सारा दावा ना ले लेगा लोका, नो, बहुत सारे कारण है, मेन कारण क्या है, क्यों आते हैं हम? कृष्णा तो सब चीजों से खुश होते हैं, ये तो यूनिवर्सल आंसर है ना, है नहीं? कृष्णा खुश होते हैं, प्रसाद क्यों खाते हैं, कृष्णा खुश होते हैं, चैंटिंग क्यों करते हैं, कृष्णा खुश होते हैं, सोते क्यों हैं, कृष्णा खुश होते हैं, ये आंसर नहीं है, नहीं, यानी समझे नहीं समझे, मतलब दैट्स नॉट अ रियल आंसर, ठीक है, बस स्पेसिफिक नहीं है। क्यों आते हैं मंगल आरती में जल्दी बताओ मुझे, मतलब क्या हो गया, आप लोग चुप बैठे रहते हो, बेकार है, तो ब्रह्म मुहूर्त से क्या लेना देना है? बेनिफिशियल, अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहे हो, अभी पूरा लेक्चर हो गया,
कि अपने बारे में सोचना छोड़ दो भाई, अपने बारे में सोचना छोड़ो पहले, अपने बारे में सोच रहे हो ना, सब अपने बारे में सोच रहे हैं अभी अभी भी अपने बारे में सोच रहे हो साधना करने के लिए है? निर्ममो अपने बारे में सोचना छोड़ दो, निर्ममो, निर्ममो का मतलब ये अपने बारे में सोचना छोड़ना बहुत मुश्किल है, तभी क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, अपने आप आंसर आएगा, मुझे बेनिफिट होगा, हम आगे बढ़ेंगे, सुबह कितना अच्छा है, सब अपने बारे में ही आ रहा है, अपने बारे में सोचेंगे बनाएंगे। चलो ठीक है ठीक है ठीक, अभी मैं सिखाऊंगा ना कैसे होगा, तभी तो बैठा हूँ मैं यहाँ, वरना मेरा फायदा ही क्या बैठने का। ओके, व्हाई डू कम फॉर मंगल आरती, टेल मी। ठीक है, गुरु की महिमा गाना, वो तो रात को भी गा सकते हो, सुबह क्यों आना है, तीन बार उठना से भी, मतलब सुबह क्या क्यों आ रहे हो, यू सी हमें खुद ही नहीं पता तो हम दूसरे को क्या समझाएंगे, अगर हम नहीं समझा सकते तो अनुशासन नहीं कर सकते, शासन करोगे, शासन करोगे तो लोग परेशान होंगे, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, शासन करोगे तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रेरणा नहीं दे रहे, आप उसको नीचे घुसा रहे हो, फोर्स कर रहे हो, फोर्स है ना, फोर्स किसी को अच्छी नहीं लगती, प्रेरणा देनी होती, प्रेरणा और फोर्स में फर्क होता है। सो ओके नाउ, मंगल आरती में क्यों आते हैं, होमवर्क दे दूं क्या? सोचना घर जाके, अब कल बताऊंगा, चलो सोचना, कल आना तो पता लगेगा, और सही आंसर सोच, उस आंसर में एक ट्रिक है, अपने बारे में मत सोचना, बस अपने आप को हटा देना है, सोचते रह जाएंगे, अगर मैं बताऊंगा फिर आपको, फिर आना भी पड़ेगा आपको, नहीं। सो हम लोग मंगल आरती में क्यों आते हैं, क्योंकि सेवा का कर्तव्य क्या है, कि अपने स्वामी से पहले पहले जग जाए, और स्वामी के जागने से पहले वहां पे रेडी रहे, जैसे राजा के जागने से पहले पहरेदार रेडी रहता है, नहीं रहता है, या वाइफ पहले उठ जाती है। सो मंगल आरती में इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान उस टाइम उठते हैं गोलोक में, और उनसे पहले हम तैयार होके उनके सामने रहते हैं, और फिर जब ऑल्टर खुलता है तो हम वो उससे सेवा भावना, वो असली सेवक है, अदरवाइज असली सेवक नहीं है, इसीलिए मंगल आरती में आता है। जो पत्नी अपने पति के बाद उठती है उसको क्या बोलते हैं, वेल आजकल तो चलो उसका कोई मतलब ही नहीं है आजकल तो उसको तो समझ ही नहीं आएगा आपको, पत्नी बाद में उतरी है पति के हो गए बट शास्त्रों में लिखा है, द्रौपदी, द्रौपदी अपने पति के, पतियों के बाद सोती थी और पतियों के उठने से पहले उठती थी, ये पत्नी का कर्तव्य है, शास्त्रों में लिखा है, पत्नी अपने पति के बाद नहीं उठ सकती, जो पत्नी अपने पति के बाद उठती है उसका पतिव्रता धर्म भंग हो गया, खत्म हो गया, वो उल्टा बन गई, शास्त्रों में लिखा है। सो जो सेवक स्वामी के बाद उठ रहा है वो उल्टा है, वो सेवक नहीं है, वो कलंक है भक्ति पे। क्या बजे उठते हैं? मंगल आरती में घर में 7 बजे उठते हैं। हाँ ऐसा भी होता है, कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में 7 बजे उठते हैं, हमारे घर में 8 बजे उठते हैं। ओफ, ये फोन क्या है? सो भगवान उठते हैं तभी ब्रह्म मुहूर्त का समय है, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ये आइडिया है, ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले। शास्त्रों में टाइम भी दिया है, सूर्योदय के से 2 मुहूर्त पहले, मतलब 48 मिनट्स पहले, हाँ मतलब वैसे 1.5 घंटा, वैसे तो आइडियली 1.5 घंटा हम उठ जाते हैं, मगर 1.5 घंटा 48 मिनट्स के बीच में, 2 मुहूर्त से 4 मुहूर्त के बीच में उठ जाएंगे, तो उस टाइम हम मंगल आरती करते हैं, तो 4:30 करते हैं, 5 बजे करते हैं, है नहीं? तो भगवान उठते हैं उस टाइम, उस टाइम आपको उठाना है, और उससे पहले आपको मंगल आरती में सामने आपको तैयार रहना है सेवा के लिए, भगवान आप जो भी कहेंगे मैं रेडी हूं, इसलिए हम हैं वहां पे हाथ जोड़ के खड़े हैं।
उतिष्ठो तिष्ठो गोविंद उतिष्ठो गरुड़ा ध्वजा उतिष्ठो कमलाया कांत त्रैलोकयम विजयम कुरु। साउथ इंडिया में गाते नहीं गाते सुप्रभातम कि हे कृष्णा आप उठिए प्लीज उठिए, सुप्रभातम गुड मॉर्निंग, और मैं तैयार हूँ हाथ जोड़ के किसी भी सेवा के लिए। इसलिए खड़े हम वहां, सिर्फ गाने के लिए नहीं खड़े। ऐसे नहीं होता, जब भगवान उठेंगे तब हमें उठाना चाहिए। ये तो कॉम्प्लेक्स है। भगवान उठ जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कम फॉर मंगल आरती, इसलिए आते हैं मंगल आरती, इसलिए आना जरूरी है। अगर आप नहीं आ पाओ ठीक है, घर में उठ जाओ, घर में उठो उस टाइम से, पांच एटलीस्ट 5 बजे से पहले तैयार रहो और हाथ जोड़। इस भावना से हम भगवान के सामने आते हैं कि कृष्णा आप उठिए, हम तैयार हैं किसी भी सेवा के लिए, आप हमें ऑर्डर कीजिए। इस भावना से आते हैं हम, तब वो मंगल आरती का फायदा होता है। फायदा, अगर फायदे की बात करो आप, तो उसको प्रेम कहते हैं। सो उसको कहते हैं निर्ममो, समझे, अपने बारे में सोचना छोड़ दो, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम नहीं बढ़ पाएंगे आगे। निर्ममो निर अहंकार, अपने बारे में कौन छोड़ सकता है सोचना जो निर अहंकार है। निर अहंकार मतलब होता है जिसमें सेवा भावना है, जो अपने आप को सेवक समझता है वही अपने बारे में सोचना छोड़ सकता है। असली सेवक वो है जो अपने आप को भूल जाए। रामायण में लिखा है उत्तम अधिकारी, उत्तम सेवक वो है जो अपने आप को भूल जाए, जिसके दृष्टि में केवल एक ही है उसका स्वामी, बस चिंता ही नहीं अपने बारे में, बस है ही नहीं, देखा जाएगा जो भी होगा देखा जाएगा। निरहंकार, उसको निरहंकार कहते हैं। He is thinking of devotees and Krishna. समा सुखा दुखा, इसका मतलब क्या, कोई बताएगा? दुख सुख में समान होना, ये बहुत अच्छा गुण है, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है? कि दुख सुख से प्रभावित नहीं होता, अच्छा मुझे बताओ, ठंड लगती है तो कपड़े पहनते हो नहीं पहनते हो? क्यों पहनते हो? दुख के समान होना चाहिए, ठंड लग रही है ठंड से दुख आ रहा है समान होना चाहिए, क्यों क्यों पहना है? और उतार दो जैकेट वैकेट, दुख सुख में समान रहने का मतलब क्या है? दुख है तो भी सेवा कर रहे हो, सुख है सेवा में समान है हम, ऐसा नहीं आपको दुख आएगा तो दुख नहीं होगा, वो तो होगा ही होगा, सुख आएगा तो सुख भी होगा। हम लोग मायावादी नहीं है, मायावादियों का सिद्धांत ये है कि दुख सुख आपको अनुभव ही नहीं होगा, समाधि में बैठ जाओ बस चिंता मत करो। नहीं, हमारा वैष्णव सिद्धांत नहीं है, दुख तो दुख है, सुख तो सुख है, नहीं है, नहीं है, दुख में दुख भी है, सुख में सुख भी है, ठंड में ठंडी भी है, गर्मी में गर्मी भी है, क्या करोगे आप? वो तो हमारे आपसे, हमारे से सब कुछ रियलिटी है ना, सब कुछ वास्तविकता है, कुछ चीज माया नहीं है, सब वेद्यम वास्तवम वस्तुअत्र शिवदम, वास्तविकता है। सो अगर कोई, अगर आप कुछ मीठा, अगर कोई टेस्टी चीज खा रहे हो तो टेस्टी भी है, नहीं स्वादिष्ट भी है, ऐसा तो नहीं आप कहोगे नहीं स्वादिष्ट नहीं है, देखो स्वादिष्ट स्वादिष्ट है। प्रभुपाद भी बहुत प्रेस करते थे, रसगुल्ले खाते थे, कहते थे बहुत अच्छा है और लेके आओ, क्या करोगे आप? सो दुख सुख में समान होने का मतलब ये नहीं है कि आप, कि आप डिसेंसिटाइज हो जाओ। डिसेंसिटाइज कैसे कहेंगे? ओहो, इंग्लिश हिंदी में कैसे कहेंगे? संवेदनहीन, संवेदनहीन हो जाओ। दुख सुख में समान होने का मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है कि आप ठंड में घूम रहे हो बिना शर्ट के। एक्चुअली एक बार शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तो एक फॉरनर डिवोटी, उसने ये श्लोक पढ़ा, समा दुख सुख समी, तो उसने कहा दुख सुख में समान होना चाहिए। तो प्रभुपाद वॉक कर रहे थे, सारे डिवोटीज वॉक कर रहे थे, पीछे से एक भक्त पीछे रह गया। प्रभुपाद ने कहा पीछे क्यों रह गया वो? तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ने चप्पल नहीं पहनी, वो चल नहीं पा रहा सही से, तो और ठंड भी है, उसके पैर में चोट लगी हुई है, चल नहीं पा रहा, उसके पैर में पत्थर लग रहे हैं। तो ऑफकोर्स, तो प्रभुपाद ने कहा कि उसने चप्पल क्यों नहीं पहनी, उसको बुलाया, ने बोले भाई तुझे चोट लगी तो चप्पल क्यों नहीं पहनी, तो दर्द हो रहा है तुझे? उसने कहा कि प्रभुपाद मैं तपस्या कर रहा हूँ,
सुख दुख में समान होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा फिर तो अपना गला भी काट ले, तपस्या करनी है तो गला काट ले, ज्यादा शौक है ना। सो तपस्या सुख दुख में समान होने का मतलब ये नहीं है, सुख दुख में समान होने का मतलब है कि सेवा चलती रहे बस। अगर सेवा के लिए आपको एसी चाहिए एसी लगा लो भाई, उसमें क्या जा रहा है। हीटर चाहिए हीटर लगा लो, 10 जैकेट पहने 10 जैकेट पहन लो। भगवान थोड़े ना कहेंगे इसने 10 जैकेट पहन ली इसको गोलोक नहीं आने दूंगा, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती, कोई सेंस नहीं बनती। भगवान को कुछ लेना देना नहीं है उससे। अब 10 जैकेट पहनो, अब नंगे घूमो, कुछ भी करो। एक्चुअली शीला प्रभुपाद ने वृंदावन में जब सारे डिबोटीज गए ना वृंदावन मंदिर बना रहे थे, तो जब फॉरनर डिबोटी आए तो उनको तो शौक है तपस्या, उन्होंने देखा भारत लोग तपस्या करते हैं, तो वो भी मंदिर तो वो भी कम खाने लगे, तो कमजोर होगा सब। तो प्रभुपाद है, प्रभुपाद ने कहा कमजोर क्यों है, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ये तो तपस्या कर रहे हैं, मतलब ठंड भी है, ठंड ठंड के जमाने उसमें, और ये लोग तपस्या कर रहे हैं, लोग घी नहीं खाते और तला हुआ भी नहीं खा रहे, रूखा सूखा खा रहे। तो प्रभुपाद ने कहा अब घी में बनाओ हर चीज, घी खिलाओ सबको। प्रभुपाद ने बुलाया सबको, डांटा। प्रभुपाद ने कहा ये तपस्या है, अच्छी तरह खाओ और भगवान की सेवा अच्छी तरह करो, जम के खाओ और जम के सेवा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भीम क्या थे, वृकोदरा, सुना है, बहुत खाते थे। तो क्या भगवान ने रिजेक्ट कर दिया उसको? इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा खाने से ही भगवान के प्रिय हो गए, या आइडिया ही है जो जरूरी है कर लो, भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। हमारे हिसाब से समान का मतलब होता है सेवा से, हम समान का मतलब संवेदनहीन से नहीं लेते, वो ज्ञानी और मायावादी और योगी लोग लेते हैं। इसलिए शीला प्रभुपाद को कोई समझ ही नहीं पाया, वैष्णवों को लोग समझ ही नहीं पाते। विवेकानंद पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया उसने, श्रीरंगम गया, मैसूर गया, सारे वैष्णवों को देखा। विवेकानंद ने कहा ये सब पागल लोग हैं, ये लोग मतलब उसने देखा ना भक्त लोग इतने हेल्दी हैं, प्रसाद खा रहे हैं, घी वाला नहीं, प्रसाद तो वैसे भी मेन साउथ इंडिया में जाओ आप घी टपक रहा होता है, आप खाओ वहां पे पोंगल और क्या कहते हैं उसको, तो स्वीट गुड़ की कौन सी होती है वो, पोंगल ही, स्वीट पोंगल, पोंगल होता है, आप खाओ आप बिल्कुल ऐसे उठाओगे घी ऐसे टपक रहा होता है। वो खा रहे हैं, हेल्दी हैं, वहां के पंडे देखें पूरी के हेल्दी, उन्होंने कहा ये क्या है, ये तो खाते पीते रहते हैं, बेकार हैं। मगर उसको समझ ही नहीं आया, वो तो ज्ञानी था ना, तो उसको समझ नहीं आया कि भक्ति में हमारी परिभाषाएं अलग होती है, समान का मतलब सेवा में समान है, कोई प्रॉब्लम। हनुमान जी क्या, हनुमान जी तो सेवा कर रहे हैं, उनको क्या लेना देना है खाने में। सो जो भी है जरूरत है करो, लाइफ में सेवा करो, भगवान के लिए कुछ कर जाओ, बस कुछ कर दो। भगवान को कुछ लेना देना नहीं है आपके जीवन में क्या कर रहे हो, जुगाड़ करो, भगवान के लिए कुछ कर दो, प्रभुपाद जी का मिशन बढ़ा दो बस किसी तरह। एक्चुअली भगवान भी कम बोलना चाहिए मुझे यहाँ पर, प्रभुपाद ज्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि भारतीयों को प्रभुपाद से ज्यादा आसक्ति नहीं है, मतलब क्योंकि मैं तो बाहर होके आ गया ना, बाहर के देशों में कृष्ण का नाम ही नहीं आता। उनसे पूछो ना कि उनसे पूछो भी तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हो, यहाँ पे लोग आंसर करेंगे कृष्ण को खुश करने के लिए, भगवान को आपने बोला, वहां पे कहेंगे प्रभुपाद को खुश करने के लिए। बहुत फर्क है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली, इसलिए आपको भी यहाँ पे ना प्रभुपाद का ही नाम लेना चाहिए, भगवान को भी पीछे रख दो। हमें कृष्ण से अभी ज्यादा कोई मतलब नहीं है, हमें तो प्रभुपाद से मतलब है, क्योंकि प्रभुपाद के हृदय में ही कृष्ण है, प्रभुपाद के हृदय में ही कृष्ण है। कृष्ण ऑल्टर में नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ तो खड़े हुए हैं, यहां से नहीं आप कांटेक्ट कर सकते, कांटेक्ट तो वहां से होगा, वो जो छोटा ऑल्टर है ना वहां होगा, यहाँ नहीं होगा। मगर इसको ज्यादा सजा रखा है, उसको कम सजा रखा है। आप अरे एक मिनट चुप रहो, ठीक है वाया मीडिया, आपकी यही प्रॉब्लम है वाया मीडिया, बाद में बात करूंगा आपसे, वाया मीडिया जाना होता है। सो दैट्स प्रभुपाद, इनफैक्ट यू शुड बी प्रभुपाद कॉन्शियस। लोग हम कृष्णा कॉन्शियस बोलते हैं, मगर रियली में हम प्रभुपाद कॉन्शियस हैं। अगर प्रभुपाद से आप आसक्त नहीं हो गए तो इस मूवमेंट में रहने का कोई फायदा नहीं है। एक मिनट, कोई चुप रहेगा, एक सेकेंड मैं बात कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ।
सो इसलिए यहाँ पे एटलीस्ट आप लोग सुंदर माधव और आप लोग जो भी है, जो भी यहाँ पे डिवोटीज हैं, प्लीज प्रभुपाद के बारे में चर्चा करो, प्रभुपाद लीला अमृत पढ़ो, प्रभुपाद के बारे में बताओ। क्योंकि मैंने देखा है जिस भी जहां भी मंदिर में पूरे संसार में जहां भी लोग कृष्णा कॉन्शियस हैं वो मंदिर गया, ओनली कृष्णा कॉन्शियस, सिर्फ कृष्णा भावना अमृत चल रही है वो मंदिर खत्म है, वो भक्त खत्म है। जहां पे प्रभुपाद कॉन्शियस चल रही है वो टॉप पे आज, क्योंकि जहां प्रभुपाद है कृष्णा अपने आप है, जहां कृष्णा हो सकता है प्रभुपाद नहीं हो, वो हमारे ऊपर है। सो भारत में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, सो हम ऐसा यू कैन डू यू नो लाइफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देयर। सो समा दुखा सुखाक्षमी, प्रभुपाद के मिशन के लिए कुछ कर दो, ये सोचो क्या कर सकते हो प्रभुपाद के मिशन के लिए, बस कुछ कर दो उसके लिए। हो सकता है आपको थोड़ी इनकन्वीनियंस हो, इनकन्वीनियंस समझते हो आप लोग, इनकन्वीनियंस कैसे कहेंगे, असुविधा हो सकता है आपके मन से ना चल रही हो चीजें, मगर हमें तो प्रभुपाद का मिशन बढ़ाना है किसी तरह साथ में रह के बढ़ा दो बस, कुछ भी करके। और प्रभुपाद ने बोला भी था, तो एक्चुअली प्रभुपाद के टाइम तो एक माता जी थी जदू रानी माता जी, वो सबसे पहले अमेरिका में तुलसी नहीं होती क्योंकि वहां पे टेम्परेचर होता है -50 टेम्परेचर में कोई कुछ जिएगा ही नहीं। तुलसी महारानी को वैसे भी कोमल होती ना तुलसी महारानी, थोड़ा सा केयर चाहिए, तो तुलसी होती नहीं वहां पे, प्लांट ही नहीं था। तो ये जो माता जी जदू रानी माता जी, ये किसी तरह स्मगल करके ले गई, आप कोई प्लांट ले जा नहीं सकते अमेरिका, उसको फेंकना पड़ेगा, वो पूछते हैं इमिग्रेशन में कि आप कोई पौधा लाए हैं कोई खाना लाए फेंक दो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी कंट्री में कोई बीमारी आ जाए, नहीं पौधे और खाने से बीमारी आ जाएगी ना कोई, तो बीमारी लगी होगी तो देश में बीमारी फैल जाएगी। तो वो किसी तरह छुपा छुपू के स्मगल करके ले गई उसने प्रभुपाद, और फिर तो सबसे पहले वहां पे ले गई लॉस एंजल्स में, वहां पे तुलसी उगाई और बहुत अच्छी उगी, और प्रभुपाद को लेटर लिख के भेजा कि प्रभुपाद यहाँ पर तुलसी उगा रही हैं, और तो माता जी जदूरानी माता जी लेके आई बड़ी मुश्किल से, रिस्क लेकर, पता लगा था तो जेल हो जाती उसको कस्टम्स में, मैं वापस भेज देते, वीजा कैंसिल हो जाता। तो प्रभुपाद ने लेटर में लिख के भेजा कि इस सेवा के लिए मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान की जरूर उसको प्राप्ति होगी। प्रभुपाद ने उसको आशीर्वाद दे दी, और प्रभुपाद ने जिसको आशीर्वाद दे दिया वो तो जा रहा है, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो भक्ति चाहे उसकी अंडा भी हो, फिर भी वो भगवान के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि प्रभुपाद ने बोल दिया ना, और प्रभुपाद की बात को तो भगवान झूठा नहीं करेंगे, वो तो हो ही नहीं सकता, उसको कहते हैं कृपा सिद्धि, उसको मिल गई। एक और डिवोटी था जॉर्ज हैरिसन, पता है बीटल्स, जॉर्ज हैरिसन यूके में, तो अब मैं हो गया था यूके में, जो वॉटफोर्ड का टेम्पल है बहुत बड़ा है, जॉर्ज हैरिसन यूके का मतलब इंग्लैंड का सबसे टॉप क्या कहते हैं सिंगर म्यूजिशियन बीटल्स का था। तो उसके पास एक घर था 100 एकड़ का, उस टाइम 100 एकड़ की संपत्ति होना मतलब आप समझ लो किंग है वो, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जॉर्ज हैरिसन की, वो प्रभुपाद को लाइक नहीं करती थी, वो प्रभुपाद से द्वेष करती, तो कहती थी नहीं हमें ये सब पता नहीं कहाँ से आ गए हरे कृष्णा वाले, आप इनको कुछ मत करो ये वो, तो उसका थोड़ा चल रहा था। जॉर्ज हैरिसन ने किसी तरह क्या किया, अपनी पूरी प्रॉपर्टी भक्तों के नाम पे प्रभुपाद के नाम पे साइन कर दी, पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने 100 एकड़ की, पूरा घर वर बना हुआ मैंशन भक्तों को दे दिया, मंदिर बनाओ। तो प्रभुपाद आए, फिर प्रभुपाद उसके वहां मंदिर में आए, वहां मंदिर बना था, लॉन में घूम रहे थे जॉर्ज हैरिसन के साथ, प्रभुपाद ने कहा जॉर्ज तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने, और जॉर्ज हैरिसन दीक्षित नहीं हुए, प्रभुपाद ने कहा मगर जॉर्ज तुमने अपना घर दिया है हमें भगवान को, और ये निश्चित है कि भगवान ने भी तुम्हारे लिए घर बना दिया अपने गोलोक में, ये मैं तुमसे कह रहा हूं। सो अब जॉर्ज हैरिसन जब मरे तो कहां गए होंगे, दीक्षा नहीं ली थी उन्होंने, वो गोलोक ही गए होंगे क्योंकि प्रभुपाद ने बोल दिया ना। सो यू सी, इसलिए प्रभुपाद का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। सो निरअहंकार, दैट्स वन थिंग, या सॉरी समा दुखा सुख क्षमी, समान का मतलब है हमारी दृष्टि प्रभुपाद की सेवा पे
टिकी हुई है। सो और वो सेवा करने के लिए आपको पता होना चाहिए प्रभुपाद कौन है, वो चाहते क्या है, वो बहुत जरूरी है। वो हम लोग नहीं समझ पाते क्योंकि एक्चुअली हम गीता पढ़ रहे हैं ना, गीता भागवत पढ़ के सिर्फ आपको पता नहीं लगेगा कि प्रभुपाद चाहते क्या है, क्योंकि आपको पता लगेगा प्रभुपाद चाहते क्या है, प्रभुपाद की लीला अमृत पढ़ के, प्रभुपाद के पत्र पढ़ के, तब समझ आएगा प्रभुपाद क्या चाहते हैं। क्योंकि बुक में तो प्रभुपाद ने सिद्धांत लिखे हुए हैं ना, पत्रों में प्रभुपाद कह रहे हैं मैं चाहता हूँ, अपने डिसाइपल से कह रहे हैं जाके चाइना में प्रीचिंग करो, जाके ये करो, मैनेजमेंट ऐसे करो। सो आप लोग पढ़ सकते हो, पत्र पढ़ो और लोगों को बताओ, यहाँ पर डिस्कस करो, लेटर्स, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, जस्ट गिव देम प्रभुपाद। हमारा मतलब यही है, प्रभुपाद के पास ले आओ, प्रभुपाद भगवान के पास ले जाएंगे। हम लोग डायरेक्ट नहीं ले आ सकते भगवान के पास, वो तो संभव नहीं है। समा दुखा सुखा क्षमी, भगवान कह रहे हैं आखिरी गुण क्षमी, क्षमावान होना। सो ये मैं कल करूंगा, क्षमावान क्या होता है। क्षमावान के लिए एक घंटा लग जाएगा डिस्कस करने में, बहुत बड़ी चीज है क्षमा, आसान नहीं है क्षमा समझना। क्षमा क्षमा क्या होती है, इट्स अ वेरी बिग थिंग, आई हैव टू टॉक मेनी थिंग्स। एनीवे सो दैट्स, मैं ये डिस्कस करना आता था। कुछ क्वेश्चन है, कुछ बोलना है तो बोल सकते। शिला प्रभुपाद की जय। या प्रभु, नहीं एक मिनट, योगेश प्रभु। वृंदावन में बाकी बिहारी की मंगल आरती नहीं होती है। हाँ, वहाँ कंसेप्ट देते हैं कि कार्य लीला करते हैं, बांके बिहारी मंदिर में तो सभी बांके बिहारी है, निक्कर बना रहे हैं, सेलफोन पकड़ा रहे हैं। अभी तो ये हो गया, पिस्तौल लड़ाई हो गई, पता है ना आपको, बांके बिहारी मंदिर में रिसेंटली, वो चार दिन पहले वो तो गया, अभी न्यूज में आ गया, बड़ी बड़ी न्यूज में आ रहा है, अमेरिका तक न्यूज पहुंच गई। वहां से फोन आया मेरे पास अमेरिका से डिवोटी, अरे प्रभु आपके बांके बिहारी में क्या, वहां पे वो सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ बोल दिया कुछ डिवोटीज को कि भी चप्पल यहाँ पे रख दो, तो लड़ाई बड़ाई गुस्सा आ गया, उसने पिस्तौल निकाल ली मंदिर में, गोली गोली चल जाती, उसको पकड़ा वहां पे, मतलब बहुत हालत खराब है। सो ऑफकोर्स बांके बिहारी मंदिर का ना, बांके बिहारी मंदिर में नियम फॉलो होते नहीं होते, उनका अपना ही आइडिया, वो शास्त्रों सम्मत हम नहीं मानते, इसलिए हमारे आचार्यों ने ज्यादा बांके बिहारी, आपको भी पता है हमारे आचार्यों ने बांके बिहारी मंदिर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी है। सही है, मगर अब गलत हो गया, अब वो पैसे और उसमें पड़ गए। अब एग्जैक्टली 100 साल पहले क्या होता था हमें नहीं पता, और ठीक ही होता होगा क्योंकि क्योंकि वृंदावन मंदिर में आपके दीनबंधु प्रभु है ना, दीनबंधु प्रभु, वो मुझे बता रहे थे कि जब वो पहले वृंदावन आए थे उस टाइम प्रभुपाद के टाइम, उस टाइम कह रहे थे परफेक्ट था बांके बिहारी में, सही मंगल आरती सब कुछ अच्छा होता था। वो दीनबंधु ने कहा मेरे देखते देखते कमर्शियल टेम्पल बन गया है, देखते देखते हुआ सब गड़बड़। सो उनके अपने आइडियाज हैं, अपनी प्रथा है, हम लोग नहीं चलते उससे, हम तो अपने गौड़िया वैष्णव सिद्धांत से चलते हैं ना, हमारे लिए तो 7 गौड़िया ठाकुर हैं और उसमें बांके बिहारी तो डिवोटीज को जाना चाहिए बांके बिहारी, एक सेकंड, डिवोटीज को जाना चाहिए बांके बिहारी, वेल जा सकते हो क्योंकि भगवान तो है ही, मगर प्रॉब्लम यह है कि वहां भीड़ बहुत होती है तो भाव खराब हो जाते हैं, मतलब वहां पे आप, वहां पे बाहर से इतनी भीड़ होती है, वहां पे धक्का मुक्का इतनी होती है, आप कहाँ देख पाओगे, फिर वो सब माइंड खराब हो जाता है, तो वो दर्शन का फायदा ही क्या, जाओ के भाव ही खराब हो गए, इसलिए नहीं जाते हम बस। तो किसी भी टेंपल में भीड़ होगी तो नहीं जाएंगे, बांके बिहारी में तो बहुत ही भीड़ होती है, आपको क्या, आप क्या बात कर रहे हो, भीड़ भी होती है, पंडे भी होते हैं, अजीब होता है वहां पे, फिर आप जब तक पहुंचोगे तब तक लस्सी घुस जाएगी दिमाग में, वो लस्सी वाले खड़े हैं, वो टिक्की वाले खड़े हैं, वो इतनी पतली से तो गली है, वहां से भी पतली गली है, यहाँ से भी, वो अजीब सा। किसका 10,000 रुपए आपका ले, और ये भी होता है, जितनी भीड़ होगी उतनी चोरी भी होती है, चोर भी वहीं घूमते हैं, उनको भी पता है भैया दर्शन कर रहा है, वो हाथ पाथ लगने का कुछ पता नहीं, चोरी। सारे वो लोग आते हैं, बिजनेसमैन लोग आते हैं जिनको बस पैसे डबल करने हैं, तो व्हाट्स अ पॉइंट क्या है वहां जाने, मुझे तो कोई पॉइंट नहीं लगता। हम ये नहीं कह रहे कि भगवान नहीं है, हरिदास जी की हैं वो डीटीज, बट क्या फायदा बताओ जाने का।
मतलब मेरा तो वृंदावन जाने का भी मन नहीं करता प्रैक्टिकली, गोवर्धन अच्छा है, कदम टेर खाली है ना, भजन तो हो सकता है। अब तो वृंदावन में भी इतनी आपने देखा ही है, मतलब सैटरडे संडे तो मतलब हालत पूरी दुनिया ही वहां पे टपकी हुई है बड़ी प्रॉब्लम है। सो व्हाट्स द पॉइंट? ओके, क्या क्या पूछ रहे हो और क्या पूछ रहे हो? एक सेकेंड बख्शे, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। आपने जितनी भी अभी तक क्वालिटीज मेंशन की ठीक है लेक्चर्स में, तो वो जैसे पहली चीज तो है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लगता है। हाँ, दूसरी मैच्योरिटी चाहिए इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने, समय भी चाहिए। हाँ, और तीसरी चीज जैसे आपने जो बात बोली जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल सुख दुख समा, तो वहाँ पे जैसे चीजों को मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं चीजों को सरफेस लेवल पे देख रहे हैं जो भी चीजें हैं जो ठीक है वर्ड टू वर्ड देखना है, लेकिन बाद में इसको देखने के लिए आपने जैसे इस चीज को मतलब काफी तोड़ा फंडामेंटल्स को मतलब काफी तोड़ तोड़ के मतलब बोला, तो इसके लिए मतलब काफी इंटेलिजेंस चाहिए। तो वो चीज मतलब जैसे ये सारी चीजें मतलब कैसे आएंगी एक साथ, कैसे सुन के आ जाएंगे, सुनते रहो सोचते रहो तो आ जाएंगे। तरीका है जिसपे अगर ज्यादा पत्थर पे भी अगर रस्सी घिसती रहे तो निशान पड़ जाते हैं। सुनते रहो सोचते रहो, अच्छे भक्तों का संग करते रहो, बार बार पढ़ो। एक सेकेंड, तो धीरे धीरे मनन करने से मननम निधि ध्यासनम वो आ जाएंगी। मगर इसमें एक पॉइंट है, अगर आप में इच्छा होगी लाने की तो आएंगी, अगर इच्छा नहीं होगी तो कभी नहीं आएगी। बस ये है, आपको इच्छा करनी पड़ेगी कि मुझे चाहिए ये भगवान, मुझे ये गुण चाहिए। भगवान से प्रार्थना करो, सोते वक्त भगवान से प्रार्थना करो, चलते वक्त खाते वक्त भगवान मुझे बस यही चाहिए, भगवान दे देंगे। मगर हम इच्छा नहीं करते ना इस तरह से, हम हट नहीं करते बेसिकली, हट कह लो, आपको हट करनी पड़ेगी। मुझे चाहिए, मुझे गुण चाहिए, मुझे निर्ममो बनना है, मुझे निराहंकार बनना है, मुझे प्योर बनना है, मुझे समा दुखा सुखी बनना है, मुझे ये बनना है भगवान। हम कहेंगे ठीक है तथास्तु। सो वो माइंड, अब वो तब होगा जब भक्तों का संग होगा, वरना भूलते रहेंगे हम, वरना पता नहीं क्या कुछ और ही चलती रहेंगी चीजें। सो दैट्स हाउ यू डू इट, ठीक है? नहीं ठीक है, हेयर एंड फॉलो। एक सेकेंड, पहले उसने क्या कह रहे हो? हाँ तो क्या पहले प्रभुपाद को समझो जानो तो मन करेगा करने का, समझो जानो और उनके बारे में पढ़ो, उनसे आसक्त हो जाओ। यू हैव टू डू दैट, अदरवाइज नहीं मन करेगा। प्रभुपाद जी के बारे प्रभुपाद कॉन्शियस होना पड़ेगा, प्रभुपाद यू हैव टू, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तब आ जाएंगे वो। तो किताबें पढ़ो प्रभुपाद की, प्रभुपाद के बारे में पढ़ो, होगा क्यों नहीं होगा। That's all. Okay, so ये क्या कह रहे हो? एक सेकेंड, जयपुर में जो भक्त लोग बने गुरु प्रहलाद रूपा जी चतन महाप्रभु, वही लोग भक्त बनकर रह गए, अब कोई भक्त नहीं बनेगा, हम लोग भक्त नहीं हो सकते हैं, हम लोग भक्ति क्या करेंगे? लोग भक्त ये है और कोई भक्त बन ही नहीं सकता है, भक्त ऐसे ही बनते हैं। वही भक्त होता है जो सोचता है मैं भक्त नहीं हूँ। अरे वो अपने आप से थोड़ा ना कहेंगे मैं प्रभुपाद भावना अमृत बना रहा हूँ। ठीक है, वो अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा, आएगा आ जाएगा। क्या क्या कह रहे हो? क्या कह रहे है? क्या होमवर्क दिया था? क्या आपने किया सॉल्व किया? गोपियां सारे भक्तों में श्रेष्ठ हैं, क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा त्याग दी, जो सबसे मुश्किल है। उन्होंने परवाह नहीं की समाज का कह रहा है, मगर राधा रानी उसमें सबसे स्पेशल है। उन्होंने और क्या त्याग दिया? क्या है? क्या सोचा नहीं किसी ने? राधा रानी ने एक चीज त्याग दिया जो किसी गोपी ने नहीं त्यागी, तभी तो कृष्ण के साथ है। अब प्रतिष्ठा से भी बड़ी क्या चीज है जो राधा रानी ने त्याग दी? सब कुछ नहीं सोचा ना आपने, होमवर्क है, अभी सोचो पहले।
सोचा ही नहीं आप लोगों ने तो कैसे होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो दो होमवर्क है आप लोग, नहीं दो होमवर्क नहीं एक ही है, एक तो मैंने बता दिया। ओके सो यू थिंक अबाउट दैट, राधा क्यों स्पेशल है, उनका त्याग एक अलग त्याग है, और जो मैंने बताया प्रैक्टिस करो आप, प्लीज आप लोग अपने यहाँ पे प्रैक्टिस करो ये सारी चीजें, अपना अपना जीवन बदलो, वो भक्ति है, बाकी चीजें चलती रहती है। क्या कह रहे हो, एक सेकंड प्लीज वहाँ पे चुप हो जाएं, तेज बोलना। लेक्चर में आपने बताया कि डिवोटी का पहला क्वालिटी होता है फर्टलेस, क्या होता है अद्वेष्टा, अद्वेष्टा द्वेष नहीं करना। तो प्रभु जी हम लोग प्रयास भी करते हैं, कुछ हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, सब प्रयास क्या होता है कि एसोसिएशन में रहने के बाद कभी कभी ऐसा मतलब कुछ हो जाता है या मतलब दूसरे से सुनने को जाता है एक मिनट चिंते प्रभु कैन यू प्लीज जस्ट समय ठीक है चेस्ट टू बी देयर अदरवाइज हाउ। तो उस सिचुएशन में कैसे प्रभु जी फिर से इस चीज को किया जाए, वेस्ट रहित सिचुएशन एसोसिएशन बदलना तो आती है, तो जैसे कि मतलब लेक्चर आपने बताया फिर हम लोग उसको प्रैक्टिकल लेवल पे आने के लिए प्रयास करेंगे, तो फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ समय के बाद कई चीजें खत्म हो जाती हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर या किसी दूसरे को देखने लग जाते हैं या फिर कोई दूसरा ऐसा ऐसे ही होता है, तो प्रभावित हो जाते हैं ना दूसरों से, उस सिचुएशन में उस वही तभी संघ की जरूरत है, बार बार संघ लेना होगा, बार बार सुनना होगा ये चीजें, तो धीरे धीरे हमें याद रहेंगी चीजें। भगवान से प्रे करो, प्रे करो कि भगवान मुझे मेरी इच्छा बना के रखिए, आपकी माया से बचा के रखिए, माया धीरे धीरे इच्छा कम कर देगी, भूल जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे ना। सो संघ की बहुत जरूरत है, अच्छे संघ की, तभी तो शास्त्रों में लिखा है जिसको सही संघ मिल गया वो निकल गया, बस सही संघ नहीं मिला वही वही तो वही तो मात हो जाती है, सब कुछ होता है, सही संघ नहीं है ना। सो अपने आप को याद दिलाते रहो, आप कॉपी में लिखो, ओके एक काम करो प्रैक्टिकल, रोज ये गुण लिखो अपनी कॉपी में, ये करो मैं भी करता हूँ, अपनी कॉपी में लिखो कि आप में क्या दुर्गुण है एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में लिखो भगवान ने कौन कौन से गुण बताए हैं, और उनको रोज पढ़ो आप सुबह सुबह उठ के, और बोलो आज मैं प्रैक्टिस करूँगा, आज ये गुण प्रैक्टिस करूँगा, ये गुण प्रैक्टिस करूँगा, ये करूँगा ये करूँगा, रोज पढ़ो रोज प्रैक्टिस करो याद होगा, ये कर लो आप, जो गुण नहीं है उस पर तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये नहीं है अभी, जो है उसमें टिक मार्क लगा दो, जो गलत गुण है उस पर टिक मार्क लगाओ, और फिर देखो कि मुझे ये इससे बचना है इससे करना है। तो ठीक है आप सुबह उठे एक दिन, सुबह आपने सोचा चलो आज मैं क्या प्रैक्टिस करूंगा, मैत्री, मैत्री की प्रैक्टिस करूंगा, पूरे दिन वो प्रैक्टिस करो, और मैंने बता दिया मैत्री क्या है, फिर नेक्स्ट दिन उठो फिर बोलो कि आज मैं प्रैक्टिस करूंगा समा दुखा सुखी, धीरे धीरे करते रहो, सारी लिस्ट बनाओ लिखो सारे, ये 12 चैप्टर में 16वें अध्याय में भी है दैवी तथा असुरी संपत, सारे लिख लो और प्रैक्टिस करते रहो, एक 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 तो सारे मत करो इकट्ठा, एक एक करो, नहीं सारे करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, एक एक करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, एक्सपर्ट हो जाओगे बस, दैट्स ऑल, दैट्स वो ऐसा कर लो आप लोग, ये करो ये प्रैक्टिस करनी होती है, करने पड़ते हैं, करने पड़ते उसले प्रभुपाद का जो उसले प्रभुपाद कॉन्शियस के लिए, तो बेसिकली उसले प्रभुपाद का जो मूवमेंट है, प्रभुपाद का जो बुक्स है, तो उसको इंप्लीमेंट करने के बाद उसको प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे लाएं, प्रभुपाद जी के बारे में बताओ प्लीज, यहाँ प्रभुपाद के पत्र से, प्रभुपाद की लीला अमृत, प्रभुपाद के इंसिडेंट्स, प्रभुपाद ने क्या किया, कैसे प्रचार किया, यू नो ये सारी चीजें बताओ, ये मुझे नहीं लगता यहाँ पे लोगों को पता होगा, यानी कम कम बात करते हैं हम लोग, या जस्ट टॉक अबाउट प्रभुपाद, बस एक महीना सिर्फ प्रभुपाद के बारे में बात करो, चलो बस ये रूल बना दो, सिर्फ प्रभुपाद की बात होगी, प्रभुपाद के बारे में बताओ, प्रभुपाद क्या करते थे, कहाँ कैसे प्रीचिंग की, तो उनके बारे में पढ़ेंगे लोग, बात करेंगे, तो उससे आएगा प्रभुपाद कॉन्शियस आएगी। मैंने प्रैक्टिकली देखा है जो प्रभुपाद के साथ आ सकते हैं ना वो कर रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रचार, मतलब महाराज ही देख लो, भक्ति विकास महाराज और भी जितने सन्यासीज हैं इस्कॉन में जो आए हैं, प्रभुपाद के ही डेडिकेशन है उनको। अच्छा और दूसरी बात ये है, अब ये कहना थोड़ा अजीब सा है मगर कह देता हूँ मैं, जो प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्य हैं अब
और जो सन्यासी भी बन रहे हैं हमारे हमारे लेवल पे, वो इतने प्रभुपाद कॉन्शियस नहीं जितने वो लोग हैं। और इसलिए और जो और भी डिवोटीज हैं, इसलिए हमारा मूवमेंट धीरे धीरे नीचे 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 जाता जा रहा है। मगर जहां पे भी लोग प्रभुपाद से आ सकते हैं वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, प्रीचिंग होती है, मतलब इट्स वेरी नाइस। ये डिफरेंस तो मैं देख ही सकता हूँ, सभी देख सकते हैं। आश्रम की बात है, एंड दैट्स व्हाट, अगर आप यहाँ पे कर दोगे ना, अपने आप देखो चीजें चेंज हो जाएंगी, 100% होंगी, 100% होंगी। सो डू दैट, पढ़ो आप लोग यहाँ पे। तो चलो कई लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते, तो ठीक है आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हो, उसको इंग्लिश में पढ़ के फिर इसको हिंदी में एक्सप्लेन करो। प्रभुपाद के बारे में चर्चा करोगे कमी थोड़ा ना, सालों कितना मटेरियल है प्रभुपाद के बारे में। तो मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टीके जी डायरी पढ़ रहे हैं, हरीशौरी प्रभु की, सो नाइस, सो डिस्कस दैट, दैट्स अ वेरी नाइस। एक मिनट, अब ना अब थोड़ा मूड ऑफ हो जाएगा, अभी तक तो एंटरटेनिंग चल रहा था। ओके, सो डू दैट प्लीज, है ना, तो ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से भागवत कथा की जगह प्रभुपाद कथा होनी चाहिए यहाँ पर, वहां पर तो ठीक है भागवत कथा, यहाँ पे होनी चाहिए। अगली बार मैं कर सकता हूँ, नहीं प्रभुपाद कथा से बोलते हैं। अच्छा, कोई भी स्पीकर आए ना यहाँ, कोई भी आए बोलने, तो उसको पहली टॉपिक बोल दो प्रभुपाद जी के बारे में बोलना है, मेल से भेज दो कि भी आप प्रभुपाद जी के बारे में बोलिए, तो वो प्रिपेयर करके आ जाएंगे। मतलब आप नहीं बताओगे तो फिर वो पता ही नहीं उनको। वो अच्छा, वो भी अच्छा आइडिया है कि कोई भी आ रहा है तो पहले से टॉपिक जो आप चाहते हो कॉन्ग्रीगेशन को बताना वो लिख के भेज दो। वो सिस्टम अच्छा है, एक कुछ सिस्टमैटिक सिस्टम है, अदरवाइज वो आएगा बैठ जाएगा फिर कहेगा क्या बोलूं पता नहीं उसको, जिसको कॉन्ग्रीगेशन नहीं पता ना क्या है। सो दैट यू कैन डू, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, आई विल टॉक अबाउट देम। मेरी पर्सनल रियलाइजेशन है कि प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद से आसक्त होने में आप मैजिक होगा लाइफ में देखना। मैं पर्सनली देख चुका हूँ और महाराज भी कहते हैं। नहीं, लेटर्स आर इम्पोर्टेंट, लेटर्स और जो भी और डिवोटीज ने लिखी है प्रभुपाद के बारे में, जो बुक्स हरीशौरी प्रभु, टीके जी डायरी, वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके पास टाइम्स और उनके लेटर्स, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो डिस्कस करो आप, बताऊँगा। ओके, जो प्रभुपाद से आ सकता है ना वो कभी मंगल आरती मिस नहीं करता, मैंने देख लिया है। जो कृष्ण से आ सकता है वो मिस कर देगा, मैं देख चुका हूँ ना, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। जो लेट होते हैं वो आई हैव सीन दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट गोज लाइक दैट। जो लेट होते हैं, लेट होते तो क्या होगा है, ठीक है आ जाओ, आ तो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जय शीला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। कुछ अनाउंसमेंट है।